विशाखा सुन रहे थे केवल विशाखा विशाखा ही शब्द निकल रहा है, ललिता सुन रहे थे केवल ललिता ललिता उसमें आवाज निकल रही थी। उसी समय में गोपियां कोई पति को सेवा कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, हैं? लेकिन जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान के प्रति दौड़े। जब दौड़े इतने में कुछ गोपियां तो चली गई, लेकिन कुछ गोपियां जा नहीं पाई। बोले कौन नहीं जा पाए, पतियों ने घर से बाहर निकलने नहीं दे। बोले खबरदार, घर से बाहर निकले ना टांग तोड़ देंगे। कहां बीच रात में जा रहे हो? बोले किसको जाने नहीं दिया? बोले जिनके शरीर पति को साथ में संबंध था तो वो शरीर अशुद्ध है, इसलिए जो माया ने उनको जाने नहीं दी। लेकिन उन लोगों ने विरह में बोले हे प्रभु, आज आपका दिव्य रास में क्या हम सम्मिलित मिलकर नहीं हो सकते हैं? जब उनके हृदय में विरह प्रकट हुई, वो विरह में उन्होंने वहीं पर वो शरीर को छोड़े और आत्मा शरीर से भगवान के पास में पहुंच गए। जब पहुंच गए भगवान ने बोले स्वागत में महाभागा, भगवान उनको स्वागत करते हैं। बोले स्वागत क्यों करते हैं? बोले तुम लोगों ने सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग ना मेरे पास में आए हो, इसलिए तुम लोग जगत में बड़े पुण्यात्मा हो। तब भगवान ने समझाया बोले देखो तुम लोग पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति भले ही लंगड़े लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पति को परमात्मा मान कर उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो ये घोर अंधकार है, ये घोर अंधकार में स्त्रियों को अकेले घर से निकलना ठीक नहीं। भगवान स्त्रियों के लिए ये शिक्षा देते हैं, ऐसे नहीं रात में जब इच्छा हो स्कूटी निकाले और घर से बाहर निकल बड़े, नहीं तो बताया ना जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा को काट करके गए और मैया सीता को बोले यहाँ से बाहर तुमको निकलना नहीं, लेकिन उन्हें लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार की, इसलिए रावण उठा करके ले गया। इसलिए माताओं को शिक्षा देते हैं अपना मर्यादा में रहे, मर्यादा से बाहर कभी हमें नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो रावण हमें उठा कर ले जाएगा। इसलिए भगवान ये सब चीज शिक्षा देकर गए, इसलिए भगवान समझा रहे हैं। इसलिए पहले देखना कोई माताएं अकेली घर से कोई नहीं निकला। शास्त्र में नीति शास्त्र में बताया स्त्रियों को बचपन में अपना पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़ी हो जाओ पति के अनुगत में रहो, और जब हो जाओ बूढ़ी उसी समय अपना बच्चों को अधीन में रहो। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे आटा है ना गूंद दिया, अगर आटा गूंद करके अगर छत के ऊपर रख दिया ना कौवा खा जाएगा, अगर उसको अगर घर में रख लो तो चूहा खा जाएगा। उसी तरह जो स्त्री जो धर्म स्त्री जो जाति है ना, वो ऐसे जाति कहीं जाओगे तो बड़ी गड़बड़ी है। इसलिए हर समय बताया हमें मर्यादा से बाहर कभी हमें नहीं जानी चाहिए, ये हमारे धर्म से क्या देता है। इसलिए भगवान गोपियों को यही चीज समझाए, देखो अंधकार रात में स्त्रियों का अकेले नहीं जानी चाहिए, पतिव्रता नारी हो जाओ, अपना पति की सेवा करो। भगवान कृष्ण ने कहा देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो, जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्मों को रक्षा करती है उसमें कितने शक्ति है। बोले एक समय एक पति ने पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा था, और थोड़ी देर पहले चूल्हे में उन्होंने बनाया था खाना, अभी धधक रहा था आग, और घर में एक छोटा बच्चा था जो बच्चा केवल गुठन पर चलता है इतना ही सीखा। इतने में बच्चा का नींद खुल गई, अभी वो गुठन पर चलते चलते एकदम अग्नि के पास में पहुंच गया, अभी गिरने वाला। पत्नी तो दुविधा में पड़ गई, क्या करनी चाहिए, अगर पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, अगर मैं जगाने के लिए जाऊँ ना मेरे पतिव्रता धर्म मेरी नष्ट हो जाएगी, क्यों पति की नींद में व्याघात पड़ेगी, लेकिन अगर इनको नहीं उठाती हूँ फिर बच्चा चूल्हे में गिरने वाला। सोच रहे हैं क्या करनी चाहिए, बोले जो कुछ हो जाए मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की सेवा करना मेरी धर्म है। सचमुच से देखते देखते हुए जो बच्चा था ना एकदम जाकर झट चूल्हे में जलते हुए आग में गिर पड़ा, उसका मन में तो खिलबिली मच गई। थोड़ी देर बाद में जब उसकी पति की आग खोला बोले लाला कहाँ है,
बोले तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने बचाया नहीं। बोले आप सर रख करके जंगल के ऊपर सो रहे थे। बोले चलो 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 देखते हैं क्या हो रहा है। बोले विष्णुदेव महाराज की महाराज को चेयर दे सामने सामने चेयर दे वो यहाँ रखा हुआ है चेयर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय की फूल की माला भी दो महाराज दे रहे थे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री लाल। बोले चलो चलो देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है। कद उसकी पति प्रता धर्म में इतने शक्ति थी। देखा उसको पति प्रता धर्म को सामने जो अग्नि थी ना शांत हो गई। और बच्चा आग को अंदर में किलकार मारते हुए चल रहा था। अग्नि उसको कुछ भी नहीं किया और वहां से उठा करके ले आए। कृष्ण ने कहा देख लिया तुमने पतिव्रता धर्म में जाजन करने पर कितने शक्ति उसकी अंदर में। गोपियों ने कहा हम भी एक स्टोरी आपको सुनाए। बोले सुनाओ। बोले एक समय दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे। पति को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाना। पति को पत्नी को बोले मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। बोले आप जाओगे तो मैं रसोई किसके लिए करती हूँ तुम्हारे लिए तो रसोई बनाती हूँ। ये श्रृंगार किसके लिए करती हूँ तेरे लिए तो श्रृंगार करती हूँ। ये बिस्तरा किसके लिए सजाती हूँ तुम्हारे लिए तो। ये घर साफ किसके लिए करती हूँ तुम्हारे लिए करती ना। अरे तुम जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी। बोले जरूरी काम है। बोले जब तक मैं नहीं आऊंगा ना कि मेरे फटक लग रहे ये फटक को पूजा करते रहो। अभी वो फटक को पूजा कर रहे थे। जब कुछ दिन बाद में पति आए वो फटक को पूजा कर रही थी। पति ने दरवाजा खटखटाया। गोपियों ने कहा कृष्ण अभी बताओ उसको क्या करनी चाहिए। बोले जो पति आ गए है जब पति आ गए पर पति को सेवा करना। अब पति को सेवा करे फटक करने का क्या जरूरत है। बोले कृष्ण तुमने तो गीता में बताया पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मा है। आप ये तो गीता में बताए कहते ना तुम्हें व माता च पिता तुम्हें बंधुस् सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वम। आप ही तो बताया ना गीता में। गीता में आप ही तो बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज। हे अर्जुन सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। सारे पाप से तेरे को मैं मुक्त करूँ। तो आप ही तो बताया ना मन मना भव मत भक्त भव मन को केवल मुझे दो मेरा ही भक्त बनो मेरा ही पूजा कर। आप ही तो बताया। और बंसरी बजा करके आप ही तो हमें बुलाया यहाँ पर। और बुला करके कह रहे हो घर में वापस चले जाओ है घर में वापस चले जाओ। बोले देखो कृष्ण जो उपदेश देते हैं ना वो गुरु है। इसलिए शास्त्र कहता है प्रथमंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कृष्णंग वंदे जगत गुरु। तुम जगत गुरु हो। शास्त्र में बताया पहले गुरु का पूजा फिर भगवान की पूजा। तुम तो जगत गुरु कृष्ण हो पहले तुम्हारी पूजा फिर दुनिया की पूजा है। भगवान इससे संतुष्ट हो गए प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने दीप प्रभु ने रास किया है। भगवान जब रास कर रहे थे जो एक हाथ में काजल पहन करके आई थी प्रभु उसको दूसरे हाथ में पहना दिया। जो आधा साड़ी पहन करके आई थी प्रभु उसको पूरा साड़ी पहना दिया। जो गले की हार को कमर में कमर का करधन को गले में पहन दिया प्रभु उसको एकदम बढ़िया से श्रृंगार कर दिया। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हमें सही सही कोई श्रृंगार करा सकता है ना ठाकुर ही कर सकते हैं। भगवान ही हमें श्रृंगार ठाकुर ही कर सकते हैं। अगर कभी पसीना आए तो प्रभु अपना दोपटा से प्रभु पसीना पोछ ले। देखो माताओं के अंदर फिर दोष जम तो क्या दोष है। अगर पति अगर ज्यादा प्रेम करे ना फिर पत्नी पति का सर पर चढ़ बैठती। अभी तो गोपियों को बड़े सौभाग्यवाद हो गया देखो। लेकिन गोपियां ये नहीं देख रही थी हर गोपियों के पास में भी कृष्ण है। लेकिन केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में और कृष्ण सबको पास में। लेकिन केवल गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास में और किसको पास में। इसलिए इनके अंदर में सौभाग्य मत प्रकट हुआ। बोले त्रिभुवन में हम सबसे ज्यादा हम सौभाग्यवती है। अभी राधा रानी को कोई जरूरत नहीं। हम सब स्वतंत्र नायिका है। राधा जी कोई जरूरत नहीं और राधा रानी को उधर मान हो गया। बोले क्यों
बोले कृष्ण सबके साथ में और कृष्ण मेरे साथ में, और गोपियों के सौभाग्य प्राप्त मद हुआ कृष्ण केवल हमारे पास में। कृष्ण ने देखा गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, ये तो राधा रानी को नेग्लेक्ट करने लग गई। लेकिन रासेश्वरी कौन है? बोले श्री राधा रानी। रास केवल राधा रानी को लेकर के है, अभी राधा रानी मान कर ली, इसलिए उनको मान को मनाने के लिए, गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए प्रभु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, जैसे हाथी हस्तिनी को छोड़ने पर, जैसे हस्तिनियां स्त्री मतवाला बन जाती हैं, ऐसे ही गोपियां तो कृष्ण विरह में उन्मादग्रस्त हो गई। उन्मादग्रस्त होकर के कृष्ण लीला की अनुकरणता करने लग गई। लता पता वृक्ष को सबको पूछ रहे थे, हमारी श्याम सुंदर को कहीं देखे हो? लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे हैं? इतने में श्री तुलसी कल्याणी को प्रश्न की, बोले कृष्ण को कहीं देखे हो? लेकिन वो कुछ बोली नहीं। बोले स्त्री है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती, कहा और डहा करती है ना, इसलिए वो बोल नहीं रहे। देखो एक माधवी लता बड़ी सुंदर, उसमें फूल खिली हुई, बोले जरूर कृष्ण उनका स्पर्श किया है, वो आनंद से ये फूल खिला हुआ है। उन्हें भी प्रश्न किया, उन्होंने भी कुछ बोली नहीं। ऐसे करते करते श्री पृथ्वी को प्रश्न किए, बोले हे पृथ्वी, तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम्हें तो पता होगा कृष्ण कहाँ पर। अर्थात पृथ्वी को देखे ना, देखा कृष्ण का सुंदर सुंदर चरण चिन्ह है। हाँ देखो, ध्यान देखो, सुनो, कहते हैं केवल भगवान की चरण में ही, केवल कृष्ण के चरण में उन्हीं से चिन्ह है, और जो दूसरे दूसरे भगवान ना, किसी में चार है किसी में छह है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन केवल कृष्ण चरण में उन्हीं से चिन्ह। बोले क्यों? बोले कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। और हम कहते हैं ना, प्रभु की चरणों को चिंतन करो, जीवन का सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोले क्यों? हाँ देखो, ध्यान देखो, सुनो, कहते प्रभु की चरण में चक्र है, अगर चक्र का स्मरण करोगे ना, तुम्हारी जीवन में जितने शत्रु है सारे शत्रु का नाश हो जाएगा है। और सबसे बड़े शत्रु काम क्रोध हमारी अंदर में बैठे हुए है। और दूसरा चिन्ह है स्वस्ति, अगर उसको स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में मंगल मंगल हो। चरण में कमल है, उसको स्मरण करोगे तो तुम्हारी खूब जीवन में खुशबू है, तुम्हारे जीवन में खूब महिमा जाएगी। कहते उनकी चरण में, कहते जौ है, अगर उसको स्मरण करोगे तो घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, खूब पैसा आएगा घर में। इसलिए वहां पर अलग अलग चरणों का अलग अलग वहां पर महिमा बताया है। अभी कृष्ण का चरण को तो सब गोपियां सेवा करती हैं, वो चरण को देख करके पहचान गए, अरे ये तो श्याम सुंदर का चरण है, कृष्ण का चरण है। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, देखा कृष्ण के चरण की दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी किसी सखी का चरण है, लेकिन वो थी श्रीमती राधा रानी की। लेकिन उनमें सखी तीन तरह का सखियां हैं, एक तटस्थ है, एक स्वपक्ष और एक विपक्ष, उसमें तीन तरह का सखियां हैं। बोले स्वपक्ष कौन है? बोले जो राधा जी की केवल उपासना करने वाली। कहते तटस्थ कौन है? बोले जो कृष्ण को भी भक्ति करते हैं और राधा रानी को भी भक्ति करते हैं। कहते ये ललिता विशाखा आदि, लेकिन करने पर भी राधा जी के चरण में थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। और एक है जो विपक्ष कौन है? बोले राधा जी को नहीं मानती, केवल वो कृष्ण को ही मानने वाले, ये कहते ही कौन है? कहते ये विपक्ष है। लेकिन जो राधा जी की चरण की सेवा करने वाली है, कहते राधा जी की जो पाल्य दासी मंजरी, वो लोग चरण चिन्हों को देख करके राधा जी की चरण की सेवा करती है, वो देख करके तो पहचान गए ये तो हमारी किशोर जी की चरण चिन्ह है। तो वहां पर बताए अनयाराधित अनुनम भगवान हरीश्वर, यही सखी ही, यद्यपि कृष्ण है, कृष्ण सबको प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसी सखी को ही प्यार करते। बोले क्यों? बोले कृष्ण सबकी माय, सबको छोड़ करके केवल इन्होंने इसी को अकेली को लेकर गई। वो अकेली कौन थी? कौन थी अकेली? कहते श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए कहते हैं ना भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन राधा जी का नाम है, लेकिन उन्होंने छुपा करके राधा जी का नाम लिया, स्पष्ट रूप में नहीं लिया। कभी जो श्लोक को बताया, कभी जैसे दो पक्ष में युद्ध हो, और जो पक्ष जीत जाता है ना, वो क्या करता है? शंख बजाता है,
डिक्लेयर करता है विजय हमारी प्राप्त हुई। यहाँ पर जो राधा पखिया जो गोपियां हैं वो शंख नाद बजा कर कह रहे हैं, बोले देखो यहाँ पर तो सबके सब गोपियां थी लेकिन कृष्ण किसको लेकर गए, केवल श्री हमारी किशोरी जी को लेकर गए। मतलब है कृष्ण जद्यपि भी सभी को प्रेम करते हैं लेकिन संपूर्ण रूप में प्रेम करते किसको करते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी को, बोले श्रीमती राधा रानी की। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा वो बीच का चरण चिन्ह है नहीं, बोले अरे दूसरी की चरण चिन्ह गई कहाँ। दूसरी कहती है ये तो हृदय को और भी ज्यादा व्यथा देने वाले, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण देखो थोड़ा ज्यादा दबा हुआ है, बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, वो जो कृष्ण है ना उनको गोद में उठा करके लेकर गए तभी तो कृष्ण का चरण ज्यादा दबा हुआ है। ऐसे करते 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 जब जा रही थी इतने में कृष्ण ने किया कि जब रास भंग हो गई कृष्ण ने एक कुंज में चले गए और झट अपना रूप बदला लिया और एक श्यामा सखी बन गई, कृष्ण श्यामा सखी बन गई। बोले देखो हम जोड़ा जोड़ा होकर के कृष्ण को ढूंढने जाएंगे। फिर कृष्ण ने क्या किया, राधा जी को पकड़ ली, राधा जी को पता ही नहीं चला ये वही नटखट है वही टेढ़े टांग वाले। कृष्ण राधा रानी को तो पकड़ करके अकेले ले गए कहाँ, बोले कुंज में ले गई और सुंदर सुंदर पुष्प चयन किया और सुंदर माला बना करके श्री राधा रानी को चोटी को श्रृंगार की, उनकी गले में पहनाए हैं, जहाँ पर वृंदावन में एक स्थान है श्रृंगार पट, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी को वहीं पर श्रृंगार उन्होंने की। जब श्रृंगार की गोपियां तो ढूंढ रही हैं है? इतने में ढूंढते ढूंढते जब पास में आ गए कृष्ण ने देखा हयोला आवाज आ रही है, अगर ये गोपियां आ जाए ना फिर महारास होना असंभव है, क्यों अगर उनको अगर देख लिया राधा जी को मैं अकेले लेकर के आया फिर वो मानो कर बैठेगी, लगता है फिर गड़बड़ी है। इतने में कृष्ण ने कहा राधे चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। राधा रानी बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे वहां से उठा करके ले आए ना ऐसे उठा करके लेकर जाना जाओ ना तो मैं नहीं चल सकती। बोले राधा रानी टेढ़ी क्यों बनी गई, बोले कारण है राधा रानी सोच रही है मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये गोपियां है कौन, बोले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी राधा जी की एक एक भाव ही ये एक एक गोपी रूप धारण की है, मैं अकेले कृष्ण को लेकर के आनंद ले रही हूँ और ये गोपियां विरह में रो रही है ये ठीक मैंने नहीं की, अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाऊ ना कृष्ण मेरे को मनाने लग जाए, हो सकता है फिर गोपी आ जाएगी फिर हम लोग ने रास करेंगे। जब राधा रानी टेढ़ी बन गई कृष्ण बोले कंधे में बैठे हो कि आप, बोले बैठा लो, बात जब बैठने के लिए गई वही कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहीं पर श्री राधा रानी हाँ कृष्ण कहते कहते वहीं पर बेहोश हो गई। पर जब गोपियां आई राधा रानी को उन्होंने होश दिलवाए, बोले हे राधे तेरे को भी श्याम सुंदर त्याग दिया, बोले हाँ मेरे को भी त्याग दी, बोले एक काम करो हमारे उपनिषद कहता है, बोले न अयम आत्मा प्रवचनी न लब्ध न मेधया न बहु न श्रुते न, ये उपनिषद कहता है वो भगवान को न अयम आत्मा प्रवचनी न लब्ध, उनको प्रवचन को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, उनको बुद्धि को द्वारा पांडित्व का द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोले कैसे प्राप्त कर सकता हो, बोले जमे वैस ब्रिनुते तेन लगभ, जो वो स्वयं खुद को जानते हैं बोले से ही जाने जा रहे देहो जाना है, उनको वही जान सकते हैं जो कृपा करके जिसको वो जनवाते हैं। बोले कैसे वो कृपा करता कैसे जनवाएंगे, बोले कलयुग में सबसे बड़ा जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन परम विजय जैसे कृष्ण संकीर्तन, हम कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो, बोले जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं रहता हूँ। बोले चलो हमसे यमुना कुल में बैठ करके हम लोग कीर्तन करेंगे, उन लोगों ने यमुना कुल में जा करके कीर्तन किए। बोले यमुना कुल में क्यों कीर्तन किया, बोले ये यमुना है ना ये काली थी, ये कृष्ण रंग में रंगी हुई ये अनुराधा है, हैं ये अनुराध राधा जी के सारे गुण उनके अंदर में है, इसलिए जब तक श्री यमुना जी की कृपा नहीं होना कृष्ण कोई प्राप्त नहीं कर सकते। कहते गंगा में नहाने पर तुम्हारी कल्याण है,
लेकिन यमुना की इतने महिमा केवल स्मरण मात्र थे। गंगा में नहाने पर जो फल है यमुना में केवल यमुना का स्मरण मात्र से ही वो फल मिल जाता है। अब लोग आए हो वृंदावन, यमुना गए कि नहीं गए सबके सब? यमुना गए सबके सब? कौन कौन यमुना गए? हाँ, इसलिए जो नहीं गए जरूर हम लोग यमुना जरूर जाना, आचमन करना, अगर स्नान कर सकते हो। विशेष करके अधिक महीना है ये, अधिक महीना, इसलिए बराह देव कहते हैं गंगा की जितने महिमा नहीं उससे 100 गुण श्री यमुना की महिमा, 100 गुण, 1-2 गुण नहीं, 100 गुण उनकी ज्यादा महिमा श्री यमुना ने देखी है। इसलिए ये यमुना क्या करती है, राधा कृष्ण को मिलन कराती है। हाँ, आपको भी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देखो सुनो। ये कैसे मिलन कराती है? एक दिन राधा रानी कृष्ण को बोले, भले है श्याम सुंदर, एक दिन तू मान कर मैं आपको मनाऊ। कृष्ण बोले, थोड़ी ऐसे होता, पत्नियां मान करती अक्सर करके, और पति मनाता है, है? पति मनाता है, पत्नियां मान करती, थोड़ी पत्नी पति मान करता है। बोले, एक बार मान करो ना, मैं हर समय मान करती हूँ, आप तो मेरे को मनाते हो, एक बार आप ही मान करो, मैं मनाऊंगी। जब जोर जबरदस्ती की, कृष्ण बोले, ठीक है मैं आज मान करता हूँ, तुम मेरे को मनाना। देखो, अगर कोई सोया हुआ ना, आप उसको जगा सकते हो, कोई सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हो, लेकिन जो बहाना बना करके सोया हुआ आप उसको जगा नहीं सकते। लेकिन कृष्ण का तो मान का कोई कारण है ही नहीं, कृष्ण मान करके बैठ गए और राधा रानी उनको मनाते रही, मनाते रही, मनाते रही, लेकिन कृष्ण का मान ही किस तरह से टूट नहीं रहा है। राधा रानी बोली, भैया मैंने क्यों बताया तुम मान करो, इनका मान ही नहीं टूट रहा है। इतने में राधा रानी तो बड़ी परेशानी हो गई, परेशानी होकर श्री कालिती के पास, यमुना के पास में गई। यमुना बोले, मैं तो चुटकी बजाते हुए इनके मान दूर कर दूंगी। बोले, चुटकी बजाती हो? बोले, हाँ। बोले, करो भैया। इतने में यमुना जो कालिती है ना, कृष्ण का रंग जैसे कालिती का, यमुना की रंग भी काली है। और इतने में देखना, एक पुरुष इतने सुंदर है, लेकिन अगर किसी लड़की को अगर कोई लड़का बनाओ ना, देखना वो लड़के से भी ज्यादा लड़की ज्यादा सुंदर लगती है, अगर पुरुष रूप में बनाओ तो। इतने में कालिती ने कृष्ण रूप धारण किया, सुंदर मरु पग लगा ली और एकदम उसने कृष्ण का पीतांबर पहन लिए, हैं, दुपट्टा ओढ़ लिए, गले में सुंदर माला, तिलक, बड़े सुंदर जैसे मैया जसोदा मोटी मोटी काजल लगा देती है। इतने में जब कालिती ने जब कृष्ण रूप धारण की, वो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इतने में कालिती ने आ गई, जो आ गई जितने सखियां थी ना, बोले, ये तो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। कृष्ण भी देख करके आश्चर्य में पड़े, बोले, ये कौन, क्या हमने कहीं जमज संतान जन्म हुए तो मैया वाले से छुपाई थी? ये तो देखने में मेरे से भी सुंदर है, मेरे जैसे। इतने में जितने सखा सखियां थी ना, जो असली कृष्ण को तो छोड़ दिए, नकली कृष्ण को पीछे चले गए। कृष्ण ने देखा, भैया ये क्या हो गया, सबके सब मेरे को छोड़ करके इसको पीछे चले गए। कृष्ण समझ गए दाल में कुछ काला है। बोले, भैया तुम कौन हो? बोले, कृष्ण हो। बोले, मैं भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण, मतलब हम दोनों दोस्त है, इसलिए दोनों दोस्तों को गले में मिलनी चाहिए। इतने में कृष्ण जब उनको गले में मिले ना, फिर तो पता चला ये कालिंदी है, ये यमुना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण दोनों को उन्होंने मिला दिया। इसलिए सखियां सोच रही है, चलो हम सबके सब यमुना किनारे में बैठ करके सबके सब गोपी गीत गाएंगे। देखो, हम लोग इधर उधर का बहुत सारे गीत गाते हैं, ये स्तुति, वो स्तुति, वो स्तुति गाते हैं, लेकिन गाना तो गोपी गीत में गाया करो। घर में जहाँ पर ये गोपी गीत को गाओगे ना, भगवान कहीं भी रह नहीं सकते हैं, भगवान को वहां आना पड़ेगा, क्योंकि उसी को कीर्तन में इतने सुंदर सुंदर भाव है। हमारे टीकाकारों ने तो एक श्लोक को दो मीनिंग उन लोगों ने निकाला, दो मीनिंग, एक अन्य रूप में और एक व्यतिरिक रूप में, मतलब एक प्रशंसा पूर्वक और उनकी एक है ताना मारते हुए। देखो, एक श्लोक को एक बार से सुन लेते हैं। एक श्लोक में कहते, बोले, तब कथा Thank you.
भगवान को गोपियों ने तीन प्रश्न किया, बोले कृष्ण जगत में तीन तरह का लोग होते हैं। एक तरह का लोग होते हैं जो भजन करने वालों को जो भजन करता है, दूसरे तरह का होता है करे नहीं करे तभी करते हैं, तीसरे तरह का होते हैं करो मत करो जिसका किसी को साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ ये तीनों में तू है कौन? कृष्ण को फंसाना चाह रहे थे। कृष्ण ने कहा देखो भजन करने पर जो भजन करते वो बढ़िया, जैसे दुकान में गए सौ रुपया की माल लेकर के आ गए, वहां पर कोई प्रेम प्रेम का कोई मतलब है नहीं है, इसलिए पैसा दिया माल ले आए, कहती ये बढ़िया। दूसरे तरह का करो नहीं करो तभी करते हैं, कहती ये पिता माता है। अब देखना बच्चा भलाई जितने नालायक क्यों नहीं हो जाएंगे हैं, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, लाला मेरा ही लाला है, इसलिए बिना कारण के अगर कोई कृपा करने वाले ना ये पिता माता है, ये पिता माता ये बड़े दयालु। बोले एक समय कोई एक है, कोई एक प्रेमी का अपना प्रेमी को बोला, बोले देख तभी तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तू अपना माँ के अगर दिल को ले आओगे तो मार कर गई। वो अपना प्रेमिका की प्रेम में पागल होकर गया और अपना मैया भी हत्या कर दी और उसका दिल लेकर के आ रहा था, इतने में हठात उसने ठोकर खा कर कहीं गिर पड़ा। गिर पड़ा तो मैया के दिल से आवाज आ रही है, बोले बेटा चोट तो नहीं लगा मेरे को, मतलब जो माता जी का जो हृदय है ना आप किसी को साथ में बराबर नहीं कर सकते माता जी का जो हृदय है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं हर समय पिता माता की हम ऋणी रहनी चाहिए। ऐसे घर में एक घरवाली आ गई और उसका बात सुनकर के पिता माता भी भूल गए, नहीं कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए हर समय। और बहू को भी एक दिन सास बनना पड़ेगा कि नहीं, बहू को भी एक दिन सास बनना पड़ेगा। हम जैसे सास की सेवा करेंगे हमारी बहू भी तो हमारी सेवा ऐसी करेंगे, इसलिए ये चीज को हमें हर समय याद रखनी चाहिए। और अक्सर करके आप देखना बहू सास में ना ज्यादा करके अक्सर करके घर में लड़ाई होती है, बहू सास में घर में लड़ाई होती है। लड़ाई का कारण यही है, बहू को बहू नहीं माननी चाहिए, बहू को क्या माननी चाहिए अपना बेटी माननी चाहिए। जो जो बहू है अपना सास को सास नहीं माननी चाहिए, क्या माननी चाहिए माँ। अगर यही से मान लेना फिर घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, अगर इतनी सी बात होनी चाहिए ना, इतनी सी बात से सारी लड़ाई हमारी समाप्त तो हो जाती है। इतने में बोले तीसरे तरह का कौन है, बोले करे नहीं करे तभी कुछ का साथ में मतलब नहीं। कहते ये चार तरह के व्यक्ति होते हैं, आत्माराम आपका काम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। बोले कृष्ण तू तो आत्माराम आपका काम है ही नहीं करता, तू गुरुद्रोही है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी जो प्रेम का गुरु से राधा रानी है, प्रेम का गुरु राधा रानी, अपने बंसुरी बजा करके तुमने दुनिया को छुड़ा करके तुमने तो लाए, लेकिन ला करके घोर जंगल अंधकार में तुमने छोड़ कर चले गए हैं, इसलिए तुम लगता है तुम आत्मा है, इसलिए तुम अकृतज्ञ हैं। कृष्ण ने कहा नहीं मेरे को ऐसे मत समझो, हैं मैंने तुम लोग कहीं नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा तो ये बीच से मैं प्रकट कहाँ से हुआ हूँ, हाँ कहीं कृष्ण और कहीं से नहीं आ गए। इसलिए कृष्ण जब प्रकट हुए ना उनके गले में राधा रानी ने जो फूलों की माला बना करके गले में पहना रखी थी वही फूल माला थी। और कृष्ण जब प्रकट हुए जैसे कोई एक अपराधी ऐसे हाथ कहो है हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, कृष्ण ऐसे ही प्रकट हुए, बोले मैंने कभी तुमको भूला नहीं। तब कृष्ण समझा है देखो प्रेम के दो पहलू होता है, एक होता है मिलन है और एक होता है विरह है। लेकिन मिलन में क्या होता है, ऊपर ऊपर से तो मिलते हैं लेकिन हृदय से खोते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है, ऊपर तो दूर से रहते हैं ऊपर से लेकिन अंदर से मिलते हैं। जैसे पति कहीं विदेश गया दो साल में चार साल में पांच साल में आए, पत्नी देखना क्या करती है, दिन भर पति की चिंता करती रहती है कब आएंगे, अभी तो कोई आए नहीं। जब पांच साल बाद में आए ना देखना कितना सेवा करती है, कितने सेवा। लेकिन कभी कभी ज्यादा पास में रहने पर अनादर हो जाता है, ज्यादा अनादर हो जाती है। कुछ दिन बाद में पहले बताए ना, पहले तो चंद्रमुखी फिर सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी फिर तो लड़ाई झगड़ा संसार में फिर लड़ाई हो जाता है। पति बोले एक गिलास पानी उठा कर दे दो, बोले पी नहीं सकते उठा कर पी लो ना। इसलिए कृष्ण ने कहा देखो तुम लोगों को ऊपर से मैंने केवल त्याग दिया था, इसलिए त्याग दिया था तुम्हारी हृदय में मेरी प्रति जो प्रेम थी ना, ये दुनिया को मैं दिखाना चाहता था। सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसके हृदय में, गोपियों के हृदय में,
क्योंकि ये विरह में ही ये गोपी गीत को गाए, तभी तो ये दिव्य रत्न निकली उनके हृदय से। इसलिए दुनिया को मैं दिखाना चाहता तुम्हारे हृदय की जो तेजो तेजरी हमें, क्या दिव्य रत्न तुम्हारी हृदय में। इसलिए मेरे को ऐसे मत समझा करो, मेरे भगवान गोपियों के साथ में महारास करते हैं। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी है। कहीं कहीं ऐसे उदाहरण आता है, कृष्ण तो एक थे लेकिन वो अलात चक्रवर्त नाच रहे थे। जानते हो अलात चक्रवर्त? जानते हो जैसे एक अग्नि का, जैसे लकड़ी में एक अग्नि टुकड़ा हो, आप देखना उसको बड़े तेज से घुमाओ ना, वो लग गया जैसे एक राउंड है। क्या लग गया? एक राउंड लगेगा। लेकिन वो आग एक टुकड़ा है। बोले कृष्ण तो एक थे लेकिन इतने तीव्र गति में नृत्य कर रहे थे, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे पास में है। इतने में सारे स्वर्ग के देवता लोग भी उतर करके आ गए, बड़े सुंदर वाद्य बजा रहे थे, हम मृदंग बजा रहे थे, भगवान गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे। इतने में श्री शंकर जी, जब भगवान ने बंसी ध्वनि बजाई, वो बंसी ध्वनि पहुंची कहाँ पर? कैलाश में। अभी श्री शंकर जी बंसी ध्वनि सुन करके उनके हृदय में भी रास दर्शन की इच्छा हुई। जब वो आए रास दर्शन करने के लिए, लेकिन बगैर जोग माया के आदेश के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकते है? कोई प्रवेश नहीं कर सकते है, जोग माया उनको घुसने नहीं दी। बोलिए पुरुष शरीर से प्रवेश नहीं कर सकते हो, वहां पर केवल एक ही पुरुष कृष्ण और सब गोपी है, है? जगत में वहां सबके सब गोपी है। इतने में शंकर जी ब्रह्म कुंड में स्नान करे, स्नान करते ही सुंदर गोपी बन गए, उनको ईशान कुंड में बैठा दी। कृष्ण बोले आज रासों में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया है। इतने में गोपियों ने ढूंढने लगे, देखा कुछ में एक सुंदरी कोई नई गोपी बैठी हुई। बोले भैया इसको तो कभी देखा नहीं हमने। बोले भैया तेरे गांव का नाम कौन है, कौन सा गांव से तू आई हो? बोले तेरे ससुर का नाम क्या है, तेरे सास का नाम क्या है, तेरे खसमों का नाम क्या है? अभी उसका तो वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है। शंकर दच्चू समझ गए भैया यही अनधिकारी व्यक्ति, शंकर जी को पकड़े चोटी निकाल पकड़ करके, यही कहीं से आ गई। इतने में गुलचा मारने जा रहे थे, इतने में श्री जोग माया आ गई है, इतने में कृष्ण आ गए। बोले बोले तुम कैसे हो? बोले प्रभु तेरी बंसी सुन करके मेरे मन में इच्छा हुई आपका रास दर्शन करे। बोले शंकर जी आप तो ऊपर से तो गोपी रूप धारण की, लेकिन हृदय में आपकी भाव नहीं। हाँ देखो ये चीज को समझो, शंकर जैसे व्यक्ति देव देव महादेव है, सत्यम शिवम सुंदर, ये भी रास दर्शन करने का सौभाग्य इन्हें भी प्राप्त नहीं हुआ। इनको भी गोपी रूप धारण कर लिया तब भी अंदर में प्रवेश अधिकार नहीं मिली। समझो ये जो रास है क्या चीज, और ये गोपियां है कौन? जहां पर अभी भी गोपेश्वर महादेव है, दिन में शिवलिंग का तो दर्शन है, अब शाम को जाओ शंकर जी की गोपी रूप में शंकर जी की श्रृंगार होती है, जहां पर ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी गोपियों की चरण की एक धूल को भी वंदना करती है। मतलब ये कोई साधारण मिला नहीं, जहाँ शंकर प्रवेश अधिकार नहीं पाए। आप और हमारी बात क्या छोड़ दो। बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय, जय श्री राम। आपको प्रभु के रास का कोई भजन सुना देंगे आपको? अभी कोई भजन तो रास लगा है कौन सा? चमक चमक वृंदावन बिहारी नाथ की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राम। अरे गुरुकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली गाजे राधा संग राम नाचे, राम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली गाजे राम संग राधा नाचे, राम संग राधा नाचे।
अभी तुम धनुष चक्र की वाहना से उनको बुलाओ और सबके सब मिल करके यहीं पर उसको धुरी से हाथ कर दो। बोले गुरुदेव, गुरु जी के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है। बोले गुरु जी, आप तो अच्छी ज्ञान दिया। इतने में उन्होंने अक्रूर जी को भेज दिया कहाँ, नंदगांव में। बोले किसी तरह से कृष्ण बलराम को तुम लेकर के मथुरा में आ जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इतने में अक्रूर जी जब ला रहा था कृष्ण बलराम को, सोच रहा था कंस इतना बड़ा पराक्रमी, अभी तो ये 10.5-11 साल के बच्चे हैं, ये कैसे मारेंगे। जब रथ में ला रहे थे ना, जब यमुना में स्नान करने के लिए उतरे, जब पानी में डुबकी लगाई, देखा अंदर में कृष्ण बलराम। बोले ये अंदर में कहाँ से आ गए, वो तो रथ के ऊपर बैठे हुए, देखा रथ के ऊपर में। फिर डुबकी लगाई तो देखा अनंतनाग ऊपर प्रभु सैन्य किए हुए, सारे देवता लोग सातारम भुजग सैनम स्तुति कर रहे हैं। फिर तो समझ गए ये कृष्ण बलराम साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान ही है। फिर तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया। फिर जब आए मथुरा में, थोड़ी सी अभी दीन था, अभी मथुरा का बाहर उन्होंने पड़ाव डाले। कृष्ण बलराम बोले पिताजी, थोड़ी सी मथुरा को दर्शन करके आए। बोले नहीं, ये वृंदावन नहीं, ये मथुरा है। कंस हर जगह जगह पर पुलिस भी खड़े हुए देखोगे, उल्टा पुल्टा किया ना, सीधा जेल में बंद कर देंगे, कल मेरे साथ में चलियो। कृष्ण बलराम सोच रहे हैं ये बड़े बूढ़ों को साथ में जाकर मस्ती नहीं आता, आनंद नहीं आता, बात बात पर टुकते रहेंगे, आनंद गवाता है, बराबर उम्र वालों के साथ में चलो मस्ती से हैं। इतने में बोले पिताजी, हम सीधा जाएंगे, सीधा आएंगे, इसे कुछ इधर उधर छेड़खानी नहीं करेंगे। बोले ताओ कन्या को संभाल कर हैं, ले जाना और ले आना। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो। कृष्ण बलराम जब सखाव के साथ में मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा वासी तो तरस रहे थे कब कृष्ण को दर्शन करे, क्योंकि 6 दिन में पूतना मारे उन्होंने, अघासुर बकासुर उत्तम 7 साल में गिरिराज उठा लिए, पूरा हल्ला हो गया ब्रज मंडल में। इतने में सारे मथुरा पुरी उमड़ पड़े कृष्ण बलराम को दर्शन करने के लिए। जिस गली में जाए फूलों की बौछार और कृष्ण बलराम की, जोर से बोलो, सब सो रहे हैं, बोले श्री कृष्ण बलराम की जय। अभी जिस गली में जाए जय जयकार, सखा ने क्या कन्हैया तेरे को सब जानते हैं ना क्या, जिस गली में जाओ तेरे जय जयकार। बोले तुम्हें पता नहीं कंस मेरे खास मामा लगते हैं ना, तभी तो अपना रथ को भेज करके बुलवाया, तो पहले तो पहले क्यों नहीं बोल दिया। बोले क्यों, बोले देव की क्या दिव्य मथुरापुरी, क्योंकि मथुरा कौन है, एक मथुरा देवी मथुरा में, ये मथुरा देवी कृष्ण की पटरानी है, लेकिन वो बड़ी दुखी थी। बोले क्यों, कंस का उसमें राजो तो था, लेकिन जब कृष्ण आ गए, कृष्ण का एक पटरानी है, जैसे पति आने पर पत्नियां बड़ी सुंदर श्रृंगार करती है, जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए, मथुरा क्या सुंदर अपना श्रृंगार की, प्यार रखो अपने आप चलते जाओगे, बैदुर जब मणि इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं, बड़े सुंदर अटालिका तोरण अद्भुत श्री मथुरा की धाम के दृश्य है। इतने में बोले देख कितना सुंदर मथुरा, देखा मेरा कपड़ा कैसे, हाँ मैला मैला कपड़ा, बोले चमकीले चमकीले, थोड़ी कपड़े का व्यवस्था हो जाती। बोले चिंता क्यों करते हो, कंस के लिए एकदम नया वस्त्र जिसमें सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम है, धोबी लेकर के जा रहा था। बोले भैया हमारे सखाओं को थोड़ा पहना दोगे। बोले कहाँ, कैया को पीछे पीछे डोलने वाले, महाराज कंस का वस्त्र पहनने का शौक। कृष्ण ने देखा ये धोबी कौन है, वो धोबी कह रहा था ज्यादा बोलोगे ना, कंस मामा जिसके लिए बुलाया उसी काम को मैं कर दूंगा। बोले तू ज्यादा ही बोल रहे, वो धोबी कौन है, त्रेता युग में सीता जी के ऊपर जिसने अंगुल उठाया था। कृष्ण एक थप्पड़ मारे तो उनका शरीर से सारी अलग हो गया। बोले भैया हाथ में क्या अस्त्र फिट करके रखा, एक थप्पड़ मारे तो शरीर अलग हो गया। बोले भैया वही पुतना आघास को मारने वाले भागो यहाँ से, सारे कपड़े छोड़कर भाग गए। कृष्ण बोले उठा लो अपना मनमर्जी वस्त्र, लेकिन वस्त्र किसके लिए ले जा रहे थे, कंस मामा और सखा लोग, तो छोटे छोटे कलश तो बचाओ, जब पहन करके चलने लगे ना रोड साफ होने लग गया। बोले कन्या अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आगे चलो, दर्जी मिले। बोले भैया हमारे सखा का लायक थोड़ा बना दोगे। बोले क्यों नहीं बना देंगे, एकदम उनका साई जी के बड़े सुंदर बना दिया। कृष्ण आशीर्वाद दिया, फलते बोलते रहो। देखो अभी भी दर्जी लोग फलते बोलते रहे, एक कोई कपड़ा सिलाई करके ले जाओ ना, कोई कुर्ता 5 रुपया से कम पैसा नहीं बोलते, भगवान का आशीर्वाद है ना, फलते बोलते रहो। फिर आगे गले, बोले प्रभु जी थोड़ी सी गले में माला की व्यवस्था हो जाए,
सुदामा माली के ऊपर कृपा की, उन्होंने माला की सेवा की, बोले एक चीज की कसर रह गई तब तिलक हो जानी चाहिए हैं। देखो भगवान शिक्षा देते हैं तिलक लगानी हमें चाहिए, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जिनके ललाट में तिलक नहीं वो संसार है, शास्त्र ने बताया है। इसलिए जब महाराज दूतों को कह रहे हैं बोले ललाट तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्मराक्षस, इसलिए कहते तिलक जरूर धारण करनी चाहिए। और जो हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना गोपी चंदन जहाँता नहीं मिलती है, वो आता है द्वारका से आता है। नारद जी ब्रज से स्वयं अपना सर पर ब्रजवासियों का चरण धूल लेकर के द्वारका गए, भगवान स्वयं स्नान की। अब भगवान द्वारका को देखो तिलक लगा, कृष्ण को देखो तिलक, नारायण को तिलक, राम को देखो तिलक, हनुमान सबको देखो तिलक, कोई भी देवता को ललाट देख लो ना जरूर तिलक होएगा, तिलक के बगैर ठाकुर जी भी नहीं रहते हैं। इसलिए ये गोपी तिलक जरूर लगानी चाहिए, ये गोपियों की चरण धूली। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जल्दी से जल्दी अगर कोई भगवत प्रेम पाना चाहते हैं भक्तों का चरण धूली चरणामृत और उनको अधरामृत, ये तीन चीज जल्दी से जल्दी प्रेम देने वाले हैं। इसलिए बोले भैया तिलक का थोड़ा व्यवस्था हो जाए। इतने में कुब्जा को देखे बोले ओ सुंदरी सुंदरी, बोले भैया मेरे को सुंदरी बोलने वाले वाले, क्योंकि उसको देख कर ना बच्चे भाग जाते थे दरबारे, बोले ये सुंदरी बोलने वाले कौन है। इधर मोड़ कर देखा कृष्ण बलराम को, क्या सुंदर जोड़ी क्या सुंदर जोड़ी। वो पहले कौन थी, वो सुपर्णा थी, पहले वो जन्म में सुपर्णा थी। इसलिए भगवान को उन्होंने बोले मैं जितने सुंदरी है ना भगवान तेरे को भी सुंदर बना लेकिन मेरे जैसे नहीं, इसलिए भगवान उसको कह रहे वो सुंदरी क्योंकि तृतीया जो की सुपर्ण का अभी कुब्जा बन करके आई है। बोले थोड़ी सी हमें तिलक लगा दोगे, बोले आपको नहीं लगाओगे तो किसको लगाओगे। अरे सारे सखाओं को कृष्ण बलराम को सुंदर तिलक लगा दी। इतने में सखा लोग कहते कन्हैया तू तो लेनो ही जानता है, देना तो कभी सीधा ही नहीं। बोले क्यों, बोले देख कितने सेवा उसने की, देख तीन जगह से टेढ़ी कैसे। बोले मैं तीन जगह से टेढ़ा है ना, इधर टेढ़ा और टेढ़ी जोड़ी बड़ी प्यारी है, बोले थोड़ी सी सीधा कर दो ना। कृष्ण एक प्यार में एक प्यार रखे, कमरे में एक हाथ थोड़ी पर एक हाथ, सीधा एक झटका मारा था एकदम अपूर्व सुंदरी, इतनी सुंदरी उसने बन गई। अपना रूप जौहर को देख करके हाँ संभाल नहीं सके अपने आप को, कृष्ण का दोपटे पकड़ लिए। बोले प्रभु ये जौवन आप ही दिए हो, आप ही इसको भोग कर सकते। बोले शर्म नहीं लग रहा है, यहाँ पर जेठ खड़े हुए दाऊ भैया तो कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, अभी नहीं कंस को उधार करके आकर फिर आओगे। भगवान आगे गए और धनुष देखा जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते थे, ये परशुराम का धनुष जिस समय कंस त्रिभुवन को जय करते करते परशुराम के पास में पहुंचे, चुनौती मांगे, बोले मेरे धनुष उठाकर तुम देखा था युद्ध क्या करोगे। लेकिन कंस इतना पराक्रमी धनुष उठा दिया भगवान की, कंस तो मान गए, परशुराम मान गए, बोले ले ये धनुष ले जा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, सावधान है। इसलिए बड़े बड़े पहरादार वहां पर थे। कृष्ण ने कहा दाऊ भैया थोड़ी सी धनुष को उठा करके देखो, वहां पर लोग बड़े हंसे, बोले देखो पागल जैसे बात कर रहा है, जिसको 400 व्यक्ति उठाते 11 साल का बच्चा धनुष उठाएगा। जैसे भगवान राम ने धनुष तोड़े ना, कृष्ण ठीक वैसे छलांग लगा दी, एक हाथ से धनुष उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए तो धनुष दो टुकड़े हो गए। इतने जोर से आवाज हुई, कंस स्वयं सुन करके घोड़ा उठा और जितने सैनिक थे बोले मारो मारो पकड़ो पकड़ो, परशुराम का धनुष तोड़ दिए। कृष्ण ने कहा दाऊ अस्त्र शस्त्र तो है ही नहीं, बंसुरी और वेणु, तू एक टुकड़ा पकड़ मैं एक टुकड़ा पकड़ता हूँ। ऐसे पिटाई करना शुरू की, भगदड़ मच गई, कंस को जाकर के बोल दिए। कंस ने कहा ये नारद जी बड़े दुष्ट है, भैया चैन से जी रहा था क्यों ये काल को बुला करके ले आया, परशुराम ने बताया था तोड़ नहीं सकता इसको कोई, तो थोड़ेगा छोड़ेगा नहीं, वो समझ गया परशुराम का, बोले अपना काल को क्यों बुलाया। दूसरे दिन उन्होंने धनुष यज्ञ में उन्होंने वहां पर हैं रंगशाला बनाए, बोले मेरे लिए ऊंचा आसन बनाओ हैं, जैसे कृष्ण मेरे पास में आ ही नहीं सब पहुंच सकता है। और कृष्ण बलराम सवेरे पहले होली गेट पर उन्होंने उबलया हाथी को रखा था वहीं पर पछाड़ दिया। जब रंगशाला में प्रवेश की कहते जिसकी भावना रही जैसी हरि मुहूर्त देखी तिनी तैसी, स्त्रियां देख रही थी जैसे साक्षात कामदेव, कंस देख रहा था ये स्वयं काल,
जो कि देख रहे थे यही परतत्व है। और मल्हाना जितने सैनिक देख रहे थे तो वज्र जैसे है, हैं? इसलिए सब जैसे जैसे भावना वैसे प्रभु को इस देख रहे थे। वहां पर चरण मुष्टि को साथ में जब मल्ल युद्ध हुआ, देखते देखते उनको ध्रास आई कर दिए। कंस ने देखा, हे भगवान, इतने बड़े बड़े पहलवान 11 साल के बच्चे देखते देखते ध्रास आई कर दी। इतने में साल तो सला आ गए, उनको भी वही पछाड़ दिए। कंस ने कहा, दोनों को जेल में बंद कर दो, देवी की वस्तु को मार डालो। बोले, मामा जी, बड़े उच्च आसन पर बैठ करके हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हो। कृष्ण एक छलांग लगाया और पकड़े उसको चोटी को। बोले, मामा जी, एक दिन आप भी मेरे माता जी की चोटी को पकड़े थे। जो व्यक्ति स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करता है उसको दंड देने के लिए मैं आ गया। चोटी को पकड़ कर झटका मार कर नीचे गिराए और नीचे आते आते बस राम नाम सत्य हो गया। इतने में कल से नीचे प्रभु ऊपर आ गए। उनकी दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, वो आकर के रो रहे थी। कृष्ण भी थोड़ा रोए। बोले, मामी मामी, हम तो मामा जी को साथ में ऊपर मिलने के लिए गए थे, लेकिन मामा इतने जल्दीबाजी करेंगे हमें क्या पता। उनको प्यार स्लीप हो गया तो नीचे आ गए, मैं ऊपर आ गया। अगर मैं नीचे आ जाता ना, मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। कृष्ण थोड़े से ऊपर रोए। फिर उनको लेकर के वहां पर कंस खा रहे, वहां पर उधर से ले गए ध्रुव, जहाँ पर ध्रुव घाट वहीं पर संस्कार की। और विश्राम घाट पर प्रभु स्नान करते हुए जहाँ पर विश्राम किया है उसका नाम गतश्रम टीला और विश्राम घाट है। बोले, श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री हरि। अभी अस्थि प्राप्ति ने कंस जाकर के जरासंध को उन्होंने भड़काए। जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 18 बार में प्रभु रण छोड़ करके चले गए। इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया रण छोड़ पड़ गया। बोले, श्री रण छोड़ भगवान की जय। एक समय कुछ ऋषि मुनि हैं, एक समय सांबो को, कृष्ण का जो बच्चे थे ना, कृष्ण की 16108 पटरानियों से शादी हुई। हर पत्नी से 10-10 बेटे एक के बेटी हुई। भगवान ने देखा, अभी मेरे पृथ्वी का भार हरण हो चुका है। ब्रह्मा जी आकर भी प्रार्थना किया। बोले, प्रभु, आप जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। इसलिए आए थे परित्राण या साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश के लिए, संतों को पालन करने के लिए। बोले, प्रभु, आप जिस काम के लिए अब आए थे वो काम आपको पूरी हो गई। अगर इच्छा होना अब अपना धाम को जा सकते हो। अभी प्रभु चाह रहे हैं अपना धाम में मैं वापस चले जाओ। इसलिए एक दिन सांबो को कृष्ण का बच्चों ने एक लड़की बना करके और पेट में कुछ कपड़े रख दिए और पेट को ऊंचा बना दी। और देखा ऋषि मुनि लोग आ रहे थे और उनको साथ में उन्होंने हंसी दिलाई की। बोले, संतों, आप कृपा करके बताओ, ये नई बहू है, अभी ये गर्भधारण की, इसकी पेट में लाला होगा ना लाली होगी। लेकिन वो दुर्वासा जी थे, दुर्वासा शंकर जी का बता, वो संघार करता शंकर जी। इतने में दुर्वासा जी बोले, और कोई मिले नहीं खिली उड़ाने के लिए, हंसी दिलाई करने के लिए, संत ही मिल गए। लाला लाली नहीं, पेट में मुसल मुसल निकलेगा, जिस मुसल से तुम्हारी वंश ध्वंस होने वाली। वो डर गए। उसको उधर लड़की नहीं था ना, लड़का था ना सांबो, तो एकांत स्थान में ले गए, कपड़ा खोल कर देखा, सचमुच से लोहे की हैं, एक लोहे की टुकड़ा टुकड़ा निकला, मुसल निकला। कृष्ण को बोलते थे कुछ होता, लेकिन उन्होंने उग्रसेन के पास में गए। उग्रसेन ने कहा, देखो, न रहेगा मांस न वज्र की बंसुरी, एक काम करो, समुद्र को बीच में ले जाओ और उसको घिस घिस कर पाउडर बना दो। लेकिन ऋषियों का अभिशाप है ना, वो घिस घिस करके जो पाउडर बना वो आकर के किनारे में लगते एरक नाम का एक वृक्ष हो गया वहां पर। और जो टुकड़ा बच गया, घिसा नहीं गया, उसको फेंक दिया। और भगवत इच्छा से उसको एक मछली निकल गया। वो मछली को जरा नाम का एक बहेलिया ने वो मछली को पकड़ा, पेट को फाड़ा तो देखा छोटा सा एक टुकड़ा लोहा निकला और उन्होंने तीर में लगा दिया। बस सबके सब काल बन गया। इतने में प्रभास क्षेत्र में हैं कृष्ण बलराम ने कहा, देखो, हम सबको ऊपर में अभिशाप है। ऋषि मुनियों का, चलो हम प्रभास क्षेत्र में चलते ही वहीं जाकर के हम स्नान करके साधु संतों को सेवा करेंगे और सांप से मुक्त हो जाएंगे। जब प्रभास क्षेत्र में गए, स्नान किया, वहां पर एक तरह का सोम रस को पान किया, पान करते शब्द से मतवाला हो गया। मतवाला होकर आपस आपस में लड़ झगड़ने शुरू कर दिया।
जो एरेका नाम का जो पेड़ था ना, उसको उखाड़ लिए, उखाड़ करके एक ऊपर लगाते ही सबके सब वही लुढ़क जाए, सबके सब वहीं पर लुढ़क जाए, सबके सब वहीं पर सबके सब समाप्त हो गए। बलदेव प्रभु पानी में उतरते हुए एक दिव्य सर्प रूप धारण करते हुए धाम में चले गए। कृष्ण एक कुंज में बैठे हुए थे, इतने में वो बहली आ गया, आकर के दूर से देखा, लगा जैसे किसी हिरण का जैसे मुंह है। उन्होंने बाण मारे, बाण मारते प्रभु की चरण था, प्रभु की चरण में लगा, आकर के देखा भगवान कृष्ण, फिर प्रभु की चरण में रोने लग गए। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं ये संसार छोड़ना चाह रहा था, मैंने एक बहाना बनाया, तू अपना मेरे धाम में चला जा। अरे भगवान वहीं पर बैठे थे। हाँ देखो प्रभु की लीला, तीन व्यक्ति तीन तरह का देखे। आप लोग कोई प्रभास क्षेत्र गए हो? कौन कौन प्रभास गए? हाँ गए हो, वहां पर देखना कुछ लोग दिखाते हैं भगवान का शरीर यहीं पर छूटा है, यहीं पर शरीर को दाह संस्कार की भगवान के शरीर को कुछ एक जगह दिखाते हैं वहां पर एक स्थान है। लेकिन भगवान की जो स्वरूप है बोले सचिदानंद रूपाय, हमारे जैसे शरीर नहीं, भगवान का शरीर सत चित और आनंद स्वरूप है। साधारण लोग क्या बोलते हैं, अरे यहाँ पर तो भगवान को जलाया। लेकिन देवता लोगों ने क्या देखा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे बिजली चमके और भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन सही चीज किसी ने देखा, बोले कि ब्रह्मा और शंकर देखे। उन्होंने क्या देखा, गोलोक वृंदावन से रथ आया, प्रभु रथ में बैठे, बैठ करके भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग को पार करते करते जब जा रहे थे, सारे देवता भगवान की पूजा करते हुए जा रहे थे, प्रभु अपना धाम में, अपना धाम में प्रभु सबको लेकर के चले गए। हाँ देखो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सुंदर कथा सुनाए, ये कथा को ध्यान देकर सुना। भगवान के शरीर अपराकृत दिव्य है, भगवान कभी मरते नहीं, इसलिए भगवान बोले अजो भी सन अभय आत्मा, मेरे जन्म नहीं। आत्मा का स्थिति कैसे, न जायते न मृियते अजो नित्य शाश्वत है। आत्मा की जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, अस्त्र से काटा नहीं जाता, वायु से सूखता नहीं, पानी से भीगता नहीं, अग्नि से जलता नहीं। कौन आत्मा? कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? आत्मा नहीं परमात्मा, आत्मा भगवान की जो अंश है, ये जीव है। हाँ ये कृष्ण जीव किसका अंश है? भगवान की अंश है, कृष्ण परमात्मा, हम सबके सब आत्मा भगवान भगवान की संतान है। वो परमात्मा कैसे कैसे मरेंगे देखो, इसका बड़ी के सुंदर स्टोरी गुरुदेव सुनाते थे। बोले एक समय एक राज दरबार में एक जादूगर आया, जादूगर आकर के बोले मैं यहाँ कुछ जादू विद्या हाथ की सफाई दिखाना चाहता हूँ। सारे राज्य के लोग सब बैठे हुए थे राजभवन में, वो दो पति पत्नी उनके साथ में दो बच्चे थे। क्या उसने अपना हाथ की सफाई दिखाया, अद्भुत उन्होंने जादू विद्या दिखाई, सारा प्रजा देख देख कर भावा कर रहे थे, बोले क्या सुंदर। इतने में रानी प्रसन्न होकर के गले से के माला निकाल करके उसने जो उसकी जो पत्नी थी जादूगर को उसके हाथ में दिए। अभी उनको दो बेटे थे, इतने में दोनों बेटे एक साथ में झपट पड़े, झपट करके ये बेटा कहता है मेरे को चाहिए, ये बेटा कहता है मेरे को चाहिए, दोनों बीच में लड़ पड़े। लेकिन इतने में दोनों के पास में था तलवार, उन्हें निकाले तलवार और दोनों दोनों के ऊपर चलाया और वहीं पर दोनों का शरीर उनका सर अलग हो गया, वहीं पर दोनों बच्चे खत्म। उनकी माताजी ने देखा जब मेरे दोनों बेटे ही चले गए, फिर मैं रहकर क्या करूंगी, उसने उसी तलवार से अपना सर को काट दिए। जादूगर ने देखा जब सबके सब चले गए, भैया मैं क्या करूं, वो भी उसी तलवार लेकर गले काट दी। वहां पर लहु लहान हो गया, सबके सब दुखी हो गए। इतने में रानी दुखी हो गई, मैंने क्यों ये अलंकार दिया, गहना दिया, इसकी वजह से ही सब कुछ हो गई है, इसलिए बोले एक शरीर को संस्कार कर दो, जला दिया। दो दिन बाद में राजा को पास में एक पत्र आया, बोले महाराज महारानी हमारी प्रणाम स्वीकार हो, आपके राज दरबार में हमने जो हाथ की सफाई हमने दिखाया, अपना पहला पुरस्कार तो एक गला के हार दिए, लेकिन अंतिम में हमने जो खेल दिखाया आपने उसका कोई पुरस्कार दिए, हम लोग मरे नहीं, हमारा परिवार यहाँ पर बड़े आनंद पूर्वक रह रहे, हमारे ये एड्रेस है, आप ये उपहार को लेकर के आओ। राजा तो रानी को बुलाया, देखो ये पत्र देखो। रानी बोली क्या अभी जिंदा है, और हमारा सामने तो मारा गए और शरीर को हमने संस्कार कर दी। अभी राजा रानी मंत्री उपहार लेकर उसको देखने के लिए जब आए, देखा
ना वो जादूगर पति पत्नी दोनों बच्चे को साथ में पान खाते हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और राजा के गले में माला डाल दिया। देखो कहते अगर एक साधारण जादूगर अगर ऐसे विद्या दिखा सकता है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को जिसने बनाया होगा तो वो क्या नहीं दिखा सकते है। भगवान ने तत्व तो ये शरीर छोड़े नहीं, तत्व तो भगवान केवल एक लीला था, लीला करके प्रभु धाम में चले गए। अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सारी कथा सुना दिए, बोले परीक्षित तुम ये शरीर से ऊपर चले जाओ है, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं तुम आत्मा है, आत्मा नित्य शाश्वत है। अभी वो तक्षक आने वाले काटने के लिए आने वाले है। इतने में एक कश्यप नाम एक ऋषि थे वो आ रहे थे, इतने में बीच में ये तक्षक को साथ में मुलाकात हो गया, तक्षक को भी काटने के लिए आ रहा था परीक्षित को, बीच में ये कश्यप जी को साथ में बीच में मिलन हो गया। तक्षक ने पूछा आप कौन हो, बोले मैं कश्यप ऋषि, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मैंने सुना है ये परीक्षित को ये तक्षक दर्शन करने वाले, आप क्या करोगे, बोले मेरे पास में ऐसे जड़ी बूटी में जिंदा कर दूंगा। तक्षक ने देखा तो फिर काटना वाला बेकार हो जाएगा, बोले एक काम करके दिखा सकते हो, बोले क्या, इतने में बोले मैं एक पेड़ को काटता हूँ अब उसको जिंदा करो। इतने में तक्षक ने अपना तक्षक रूप लिया, एक जिंदा पेड़ को काटते ही चल करके वहीं पर एकदम राख हो गया, बोले उसको जिंदा करो। उसने अपना पोटली से निकाला जड़ी बूटी और उसको मंत्र बुद्ध करके जब वो वृक्षों के ऊपर छिड़काव कर दिया, फिर वृक्ष जैसे वैसे हो गया। बोले बाबा रे इतने मंत्र शक्ति, फिर तो परीक्षित को मैं जब दंशन करूंगा फिर जिंदा कर देगा। बोले आप क्यों जा रहे हो, कुछ पैसा की लोभ है ना, मैं यहीं पर आपको झोली भर देता हूँ। उसने सोने चांदी हीरे जवाहरात से उनको झोली भर दिए, बोले ऐसे वापस चले जाओ, बस उन्होंने वहीं से वापस चले गए। बोले तभी से ये जो विद्या है ना सारी खत्म हो गई, ये विद्या तभी से सारी खत्म हो गई। फिर इतने में तक्षक ने उन्होंने फिर आ करके, लेकिन वो आने से पहले श्री परीक्षित महाराज समाधि में बैठ गए, बैठ करके उन्होंने वो आने से पहले ही शरीर से ही उन्होंने अपना आत्मा को निकाल करके एक सुंदर गोपी रूप धारण किए और रथ में बैठते हुए वो गोलोक वृंदावन चले गए श्री परीक्षित महाराज। केवल उनका शरीर बचा हुआ था जिस शरीर को तक्षक ने आगे काटे। उसको बाद में फिर उनका बेटा जन्मेजय बड़ा क्रोधा हुआ, उन्होंने के यज्ञ किया, बोले सारे सर्प को मैं आहुति देकर के ध्वंस कर दूंगा। इतने में तक्षक जाकर के इंद्र की आसन में जाकर लपट गया, सारे को साथ आकर के जल रहे थे लेकिन तक्षक नहीं आ रहा था। जन्मेजय ने कहा तक्षक को बुलाओ। इतने में ऐसे मंत्र पढ़े ऋषियों ने, पूरा इंद्र आसन समेत आकर के आहुति में आने लग गए। इतने में ब्रह्मा जी आकर के उनको समझाए, उनको सांत्वना की, उनको कहे हाँ ऐसे ही लास्ट में ये यज्ञ हुई है। देखो हम लोगों ने कितना दिन तक कथा सुने, कितना दिन तक कथा सुने, 7 दिन तक कथा सुने। 7 दिन जो कथा सुने, नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो, कथा में कुछ दो और कथा से कुछ लो। बोले कथा में क्या देंगे और क्या लेंगे, बोले कथा में सारे गंदी चीज को दे दो और कथा से लेकर के किया जाए, बोले भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम लेकर के जाओ। बोले गंदी 4 चीज को हमें छोड़नी चाहिए। पहला नंबर है कली का जो 4 स्थान है, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए। कली का पहला स्थान है सत्य, जुआ से सत्य नष्ट हो जाता है। दूसरे किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा चाय है, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए, यहाँ पर तपस्या नष्ट हो जाती है। धर्म का तीसरा स्थान है पवित्रता, कहते अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलनी नहीं चाहिए। संसार करो शादी करके पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। मैंने अब कथा सुनाया था प्याज लहसुन को, देखो 1 मिनट सुना देता हूँ। पहले ऋषि मुनि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन गैया कोई बुढ़ी हो जाए ना, गो माता है ना, उसको मारने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में उसको आहुति देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में ऐसे मंत्र होता था, फिर 2 बार मंत्र पढ़कर जिंदा कर देते थे।
इतने में आश्रम में कोई गैया बुरी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान की गैया को बलिदान दिया, सबके हाथ में मांस दे दिया, बोले सबके सब आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी ने मांस देकर खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाओगे इसे, अभी रात में छुपा देता हूँ, उसने छुपा दी, सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़ी, गैया एकदम गैया जवानी बन कर निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को उन्होंने छुपाया था, देखा वो अंग भरा नहीं, वो घा बना हुआ। ऋषि ध्यान लगाया, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, अभिशाप दे दिया, बोले जहाँ पर ये मांस को छुपाया वहां पर प्याज की पौधा होगी, हैं मांस जैसे लाल लाल रंग का, प्याज भी लाल रंग का बनेगा, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, अब कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आती है, यहाँ काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट गई है, आंखों से आंसू आ जाती है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, नवरात्रि रखते हुए 9 दिन तक कोई इस चीज को ग्रहण क्यों नहीं ग्रहण करती है, कारण है इसकी सृष्टि गंदी चीज से, इसको तो पहले केवल चंडाल लोग खाते थे, कोई अच्छे व्यक्ति सजन नहीं खाते थे, पहले तो ये वृंदावन में 84 क्रोश में यहाँ पर प्याज लहसुन घुसना अलाव नहीं था, 84 क्रोश में कोई नहीं खाते थे, ये धीरे धीरे घुसने लग गया, लेकिन कोई नहीं खाया करते थे, अभी गुजरात मारवाड़ी लोग ब्राह्मण लोग नहीं खाते सब चीजों को, इसलिए कहते थे कि हड्डी से लहसुन बना और खून की गूंद से ही मसूर की दाल बनी है, इसलिए पहले ये 3 चीज घर में कोई नहीं घुसाते थे, इसलिए कोशिश करना ये चीज से अतिरिक्त होकर के जो कुछ खाए पवित्र रूप में भगवान के भजन प्रसाद लगाए और भगवान की प्रसाद रूप में ग्रहण करे, ठीक है। बोले ये 4 चीज को हमें छोड़नी चाहिए, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण जोर जोर के बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जोर कर के बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये 4 चीज छोड़ो और 4 चीज जोड़ो, बोले 4 चीज क्या जोड़ेंगे, पहला नंबर है हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा सेवा होनी चाहिए, पहले हर घर में ठाकुर जी की बड़े सुंदर, ऐसे नहीं हमें किसी ने बोले बाबा जी आओ मेरे घर में ठाकुर जी का दर्शन कर दो, मैंने सोचा कोई बढ़िया ठाकुर जी सिंगार किया होंगे, जा कर के देखा घर का सबका जो रिजेक्ट स्थान है ना, जो घर का काम में नहीं वहीं पर ठाकुर को बैठा करें, नहीं ऐसे नहीं, पहले अपना घर बनाने, पहले घर जब बनाओ सबसे पहले घर का सबसे बेस्ट जो स्थान हो बढ़िया स्थान पहले चुनो, ठाकुर जी कहाँ पर बैठे, देखो ये कृष्ण उद्धव जी को कह रहे, उद्धव जी मेरे मंदिर में अगर कहीं बने, अगर कोई एक ईंट दे देता है ना उसके लिए गोलोक वृंदावन में मैं राजमहल बना देता हूँ, इसलिए घर का सबसे बढ़िया स्थान होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए, है सबसे बढ़िया स्थान, जैसे घर में घुसते ही भगवान हमें देखे, सबसे बढ़िया भगवान देखे, ठाकुर को सबसे सुंदर उनको श्रृंगार करनी चाहिए, है बढ़िया बढ़िया कपड़े से ठाकुर को, ऐसे नहीं 10-15 दिन से एक कपड़ा पहना के रख दिया और अपना तो खुद शरीर को सजा रहे, रोज रोज दो बड़ा कपड़ा बदला रहे, नहीं ठाकुर जी को द्रौपदी ने केवल थोड़ी सी उसने किया कि भगवान का अंगुल कट गया तो बैंडेज कर दी, थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके भरी सभा में ठाकुर जी लाज बचा, ठीक है ना, इसलिए सुंदर रूप में ठाकुर जी को श्रृंगार करना, रोज ठाकुर जी को स्नान करानी चाहिए, मैंने किसी किसी घर में देखा इतने ठाकुर जी महिला भी, इतना महिला सब ठाकुर को शरीर में, ऐसे नहीं बीच बीच में ठाकुर जी को नींबू से हो दही से हो रगड़ रगड़ करके ठाकुर को स्नान कराओ, कि आप देखना ठाकुर को आप जितने सुंदर से श्रृंगार करोगे, ठाकुर को जितने सुंदर सजाओगे ना अपने आप तुम्हारी घर सज जाए, भगवान को सजाओ तुम सज जाओगे, भगवान तुम्हारे घर भी सज जाएगी अपने आप, पहले मैंने एग्जाम्पल दिया ना अपना शरीर को सुंदर करके सजाओ, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना आप शरीर को जैसे सजाया परछाई अपने आप सज जाती है, मूल कौन है ठाकुर जी, जब उनको सुंदर सजाओगे परछाई तो शरीर है, तुम तो अपने आप बढ़िया सज जाओगे, ठीक है ना, घर में हर घर में ठाकुर जी की विग्रह होनी चाहिए, जैसे घर में लड्डू गोपाल रखते होंगे, नहीं तो जुगल जोड़ी राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी रखते होंगे, देखो एक ठाकुर जी को पत्थर मत समझो, ये मत समझो ठाकुर जी कुछ करने अपने आप खड़े हुए, अब एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हो, जगन्नाथपुरी, अब देखना
ठीक जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन पहले उसका जाकर नाम है साखी गोपाल। जगन्नाथपुरी आने से एक पहले स्टेशन पर उसका नाम है साखी गोपाल। पहले एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में निकले, एक वृद्धा ब्राह्मण एक छोटा ब्राह्मण। तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन में गोपाल जी के मंदिर में आए। जब आए वृद्ध ब्राह्मण प्रश्न हो गया छोटे ब्राह्मण के ऊपर में, अगर तू नहीं होता है ना मैं कभी भी ये तीर्थ नहीं कर सकता किसी उम्र में, इसलिए तुमने बेटे जैसे सेवा की। मेरी एक सुंदरी प्यारी बेटी है, जब मैं जाऊँगा मैं बेटी को तेरे साथ में शादी करा दूंगा। बोले देखो जी आपको बेटी को शादी करने के लिए आपकी सेवा नहीं की, आप वृद्ध ब्राह्मण पिता के बराबर है। इसलिए उसने कहा देखो मैं चाहता हूँ अपना बेटी को तुम्हारे साथ में शादी दूंगा। बोले देखो और ये दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले जब भी हम दोनों ब्राह्मण, आप उच्चे कुल के ब्राह्मण में नीचे कुल के ब्राह्मण परिवार लोग राजी नहीं होंगे। बोले बेटी मेरी है। बोले अगर वहां जाकर मुकर गया तो, बोले ठाकुर जी साखी है ना, इनको मैं साखी करके मैं बोल रहा हूँ। जब घर में आए बच्चा ने परिवार को बुलाकर सारे बात को पूछा, सारे परिवार बूढ़े के ऊपर भड़क गए। बोले आपको पता नहीं हम उच्चे कुल के ब्राह्मण कैसे उसको घर में देखे, अगर हमारा बहनी को शादी दोगे ना जहर खाकर मर जाएगी। बोले हमने जो ठाकुर को बोला, बोले ठाकुर पत्थर है वो थोड़ी बोलने के लिए आएगी यहाँ पर, ठाकुर चलते है बोलते है पत्थर ठाकुर जी। इतने में बोले देखो अगर वो आ करके बोले ना आपको, आपके बोले इतनी सी बात बता देना मेरे कुछ याद नहीं। वो छोटा ब्राह्मण आया, बोले ब्राह्मण जी क्या बात है? बोले मैंने क्या बताया था याद नहीं, बच्चे को तो सुजोग मिल गया डंडे लेकर के आ गए। बोले दुष्ट हमारे पिताजी के पास में बहुत सारे पैसा था, तुमने धधुरा खिला करके पागल बना कर सारा पैसा लूटा, फिर बहनी से शादी करना चाहा तो डंड लेकर मारने दौड़े। उसने ग्राम पंचायत को बुलाया, ग्राम पंचायत बोले कोई साखी है? बोले हाँ वृंदावन में थे गोपाल जी को साखी किया, इनको तो सुजोग मिले। बोले जा 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 वृंदावन से ठाकुर को ले आओ। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी आएंगे, उनने वृंदावन में गए ठाकुर जी को बोले। देखो पहले लोगों का कितना विश्वास होता है, इसलिए बोले ठाकुर जी साखी देने के लिए जाना पड़ेगा। बोले तुमने कभी देखा ठाकुर को चलते हुए? बोले चलते नहीं तो ठाकुर जी कभी बोलते हैं? जब आप बोल रहे हो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बड़े झूठा बना जाएगा। बोले देखो एक काम करो, इतना दूर जाऊंगा मेरे प्यार में नुपुर बांध दो और एक किलो चावल मेरे को खिचड़ी बनाकर खिलाओ। एक किलो चावल का खिचड़ी खा लिए। बोले पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे प्यार का नुपुर का छमछम आवाज आएगी, पीछे मोड़ कर देखना नहीं, फिर जाऊंगा नहीं। ऐसे चलते चलते चल गए कटक तक। अब पता होगा जगन्नाथपुरी स्टेशन उसको पहले कटक गए, वहां तक चले गए। अभी नदी की रेती में प्यार धसना शुरू हो गया और नुपुर जब छमछम आवाज आ रही थी बंद हो गई। बोले भैया अगर वहां जाकर देखा अगर ठाकुर नहीं तो, और पास में तो आ ही गए, अगर ठाकुर जी खड़े हो गए ना बुला लूंगा। उसने मोड़ करके देखा तो ठाकुर वहीं पर बंसरी बजाते बजाते खड़े हो गए। बोले आगे और नहीं जाओगे तो बुला करके ले आओ। पूरा राजा रानी पूरा देश का देश उमड़ पड़े, ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते साखी देने के लिए आए और ठाकुर जी सबको सामने उन्होंने साखी दिया। बोले ब्राह्मण ने सही बताया, ये मेरे को साखी करके बताया था लेकिन परिवार के दबाव में आकर के मेरे को वो बोल नहीं रहा है। बोले ठाकुर जी आप मेरी इज्जत बचा दी। जब राजा रानी देखने के लिए आए, रानी बड़ा भक्तिमती थी, रानी मन में सोची अगर ठाकुर जी के नाक में छेद होता है ना, मेरे पास में एक हीरे की बेसर है मैं पहना देती। जब वो जाकर के सो गई फिर रात में ठाकुर जी आए, बोले महारानी इच्छा है नाक में बेसर पहनने की? बोले हाँ। बोले मैया जसोदा ने मेरे नाक में छेद कर रखा था, अभी भी वो छेद है, आकर के हटा करके देखना। उन्होंने राजा को लेकर कहा देखा सो तुम्हें छेद है नाक में? अरे ठाकुर जी को उन्होंने हीरे की बेसर पहनाया। इसलिए देखो अगर तुम्हारी जैसे भावना होगी ना ठाकुर ठीक है ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर की जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे सुलाते नहीं। देखो आज एक माता जी, देखो आज एक कल एक माता जी ना शरीर छोड़ा है, वो दिल्ली से हर महीना में वो आती थी हमारे मंदिर में, उसका दो बेटे रहते हैं विदेश में, उसका बच्चे लोग जो पैसा भेजते थे वो अच्छी खाती नहीं अच्छी नहीं पहनती थी, वो सारे पैसा को जोड़ती थी, महीना में एक बार वृंदावन आती थी, आकर के सारे संतों को बुला करके भंडारा खिलाया करती थी, सारे संतों को बुला करके, और यमुना में जा करके
एक महीना की उसने 30 गोता लगाया करती थी। बोले क्यों? बोले 30 दिन में एक बार आई हूँ, रोज रोज का एक एक गोता लगाती थी। राधा दामोदर मंदिर में 30 दिन में आकर के 30 एक दिन में पूरा 30 परिक्रमा लगाएगी, रोज रोज का एक परिक्रमा। उसको पास में इतने इतने सुंदर जुगल सरकार थे, जुगल सुंदर, इतने सुंदर श्रृंगार करती थी। वो जब आएगी ना एक बार जरूर, वहां पर एक दुकान है, वो दुकान से ठाकुर के लिए सुंदर वस्त्र लेकर जाएगी। ये नहीं सोचे कि नहीं ठाकुर को तो इतना जरूरी, बोले नहीं, जब हमारी पहनने की इच्छा करती है क्या ठाकुर को पहनने की इच्छा नहीं करती है? वो कपड़ा लेकर के जाएगी, कपड़ा लेकर के वो जाएगी जा करके, और बड़े सुंदर हारमोनियम में बजाया करती थी। मंदिर में आकर के ठाकुर को सामने रख लेगी और सुंदर सुंदर भजन गाएगी, और वो ऐसे ऐसे अनुभूति की बात करती थी, मैं तो सुंदर दंग हो जाता। बोले कभी ठाकुर जी रूठ जाते हैं, कभी ठाकुर जी हंसते हैं, कभी ठाकुर जी मेरे स्वप्न में आते हैं, कभी ठाकुर जी मेरे से बात, वो ऐसे ऐसे बात करती थी ना, हम तो सुनकर दंग रह जाते थे। उसकी अनुभूति की बात बताती थी। देखो उसका शरीर कल, ये कौन सा महीना चल रही है? चल रही है अधिक महीना, पुरुषोत्तम महीना। कल कौन सा व्रत था? एकादशी। उसने परसों मेरे पास में उसकी फोन आई, उसकी परसों मेरे पास में फोन आई, बोले महाराज जी अभी मैं जाने के लिए मेरे बच्चे लोग घर से छोड़ नहीं रहे, असमर्थ हूँ, मैं कुछ पैसा भेज रही हूँ, क्योंकि हर महीना में जो पैसा बचती थी उसको ठाकुर को सेवा के लिए और संतोष सेवा के लिए भेजती थी। एक दिन पहले मेरे पास में फोन आई, मैं पैसा भेज रही हूँ, संतों को भोजन करवा देना और सब ये प्रणाम पैसा सबको थोड़ा थोड़ा प्रणाम दे देना। उसने ये फोन की और दूसरे दिन मैंने कल सुना उसने शरीर छोड़ दिया। कितने समय में? बोले आधे घंटे के अंदर में। उसने बोली मेरे अंदर में घबराहट हो रही है, वो तो मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ। उनका परिवार के लोग बोले ठीक है हम कोशिश करते हैं। वो देखते देखते बस भगवान की, और दिन में 1,00,000 हरिनाम करती थी, 1,00,000 माता जी हरिनाम करती थी हैं। वो घर में रहते हुए भी संतति हो, क्या उसकी अनुभूति। हम सब उनके उनका अम्मा अम्मा बोलते थे, अम्मा अम्मा बोलते थे उनको, इसलिए आज उनका उसने बोल करके दिल्ली दिल्ली रमेश नगर की वो है, बोले मेरे अंतिम शरीर को आप वृंदावन में लेकर संस्कार करना। वो आज सवेरे उनका शरीर को लाए। इसलिए उन्होंने को शरीर को ला करके ना आज वृंदावन में, अभी संत लोग कुछ गए हैं उनका संस्कार करने के लिए। इसलिए वो जो ठाकुर जी को आप घर में ठाकुर जी बैठे हुए ऐसे नहीं, प्याज कोई कोई कहते ना आप तो भोग लगाते हैं। बोले कैसे भोग लगाते हैं? खुद तो प्याज लहसुन डाल टुकड़े चकाचक खाते हैं और ठाकुर जी को थोड़ा मिश्री भोग लगा दिया, नहीं तो थोड़ी मीठा लगा दिया। नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। घर में जो कुछ खाना बने अगर प्याज लहसुन के पवित्र रूप में खाना बनाओ और भगवान को खिला करके खाओ, तब गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानां, जो भगवान को भोग लगा कर खाएगा घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। और प्रभु स्वयं कहते हैं ये बात को, इसलिए घर का मालिक ठाकुर जी है, हम उनका सेवक है। हम मालिक ना सेवक है? बताओ सेवक ना मालिक है? देखो हमारे गुरु जी कहते थे जैसे तुम्हारे घर में एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया चकाचक बना बना कर खाता है, लेकिन मालिक को वो जैसे तैसे थोड़ा दे देता है। अगर मालिक को ये बात पता चले मैंने नौकर ऐसे कर रहा है, बता मालिक क्या करेगा? मालिक क्या करेगा? तुम्हें घर से निकाल देगा ना। घर का मालिक कौन है? कौन मालिक? हम ना कृष्ण है, भगवान घर का मालिक, हम उनका सेवक है। अगर हम बढ़िया बढ़िया चकाचक प्याज लहसुन डाल डुल कर खाए और ठाकुर को जैसे तैसे मिश्री भोग लगा दे थोड़ा दूध रख दे, नहीं, एक दिन हमें धक्के देकर निकाल दी घर का पूरा, क्योंकि मालिक वो है। अगर हमको मालिक समझ मानते हो तो प्याज लहसुन मत खाओ, शुद्ध रूप में भगवान को व्रत बनाओ। देखो कुछ तो यहाँ से लेकर जाओ 7 दिन तक, देखो हम साधु है इसलिए हम तो कुछ देने के लिए आपको चाहेंगे। ऐसे कुछ चीज दे जो इसी जीवन में भी सुखी रहो, उसको बाद में जन्म जन्मांतर सुखी रहते रहो है, इसलिए इसलिए आपको कुछ हम देना चाहते हैं 7 दिन के बाद में। इसलिए कम से कम इतना काम करो घर में, जो कल मैंने बताया था ना, सुदामा जी ने भगवान को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर ने क्या किया? त्रिभुवन का राज्य दे दिया था भगवान को, खिलाने का इतने पुण्य ठाकुर जी की है। इसलिए भगवान की भोग लगा कर खाया करो और गले में सबके सब तुलसी की कंठी पहनो। इसलिए फालतू नहीं क्या बनाओ, कल बताया था ना जब महाराज दूतों को कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते मेरे पास में मत लाओ। बोले पता कैसे चलेगा? बोले 2 तरह के कुत्ते हैं,
एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता है। बोले पालतू कुत्ता कैसे है? बोले गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है और फालतू कुत्ता बिन्ने पट्टे के जो घूमते हैं। इसे देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए हमें ठाकुर जी की पालतू बनो और गले में तुलसी की कंठी पहना करो, ठीक है ना। तुलसी की सबके सब कंठी पहनो, कंठी पहनो ना कभी आप नरक में नहीं जाओगे। देखना आप लोग मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, सुने होंगे, सुने गरुड़ पुराण, उसमें सारी चीजें वर्णना आती है। मरने का ना बाद में एक बेहतरीन नदी पार होना पड़ता है जिसमें चलो टाटी पेशाब खून पीता होता है। बोले 13 दिन बाद में क्यों शुद्धि होते हैं? बोले बेहतरीन नदी पार करने के लिए उसको 13 दिन लग जाते हैं, इसीलिए 13 दिन बाद में हम शुद्धि होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर कौन ये बेहतरीन नदी को पार करना पड़ेगा? बोले जिनकी गले में तुलसी की कंठी नहीं। अगर तुम्हारी गले में तुलसी की कंठी हो ना, कभी भी उनको पीछे बैठे तो पता जी उनको पीछे बैठे। इसलिए जिनके गले में ये तुलसी की कंठी जिनकी गले में होगी, कभी भी ये बेहतरीन नदी उसको पार होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंठी देखते ही जब तुम समझ जाएंगे भैया ये ठाकुर जी की आश्रय लिए हुए, ठाकुर जी की ये आश्रय लिए है, ठीक है ना। घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए, रोज घर में तुलसी की पानी दो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की आरती करो। राधा रानी जो कृष्ण को प्राप्त की केवल तुलसी पूजा से ही। इसलिए हर घर घर में तुलसी की, जिस घर में तुलसी बढ़िया पूजा होगा ना, माँ लक्ष्मी की भी घर में कृपा होती है, घर में खूब पैसा आएगी। हाँ, इसलिए तुलसी की पूजा होनी चाहिए। और जो तीसरी जो चीज है, एकादशी व्रत रखनी चाहिए। एकादशी व्रत को जरूर, मैंने पहले एकादशी कथा सुनाई थी, अभी हमारे महाराज जी ये अमेरिका में, हाँ ये अमेरिका में महाराज जी पढ़ते थे, वहाँ बढ़िया अच्छी नौकरी थी। लेकिन जब हमारे गुरु जी को साथ में मिले ना, उन्होंने अपना नौकरी, अभी आप इन्होंने एकादशी कथा थोड़ी सी सुनाई आपको और हरिनाम की महिमा थोड़ी सी महाराज सुनाएंगे। हाँ देखो अभी कथा विश्राम होने करके जा रही है। ये जो कथा है मदन लाल प्रभु ना, मदन लाल प्रभु है, ये जो कथा है कहते ये मदन लाल प्रभु के जो परिवार के लोग है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से तन मन धन से आप लोगों ने ये भागवत कथा को आप लोग रखवाया। देखो हमारे गुरु जी कहा करते थे, देखना कितने लोगों का पैसा कहाँ कैसे बीमारी में उल्टा पुल्टा चीज में कितने पैसा लोग चल जाता है, लेकिन ठाकुर जी सबकी वस्तु ग्रहण नहीं करते। भगवान उनकी वस्तु ग्रहण करते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य हो। खैर ये भागवत कौन सा महीना में, ये पुरुषोत्तम महीना में, और कहाँ पर भागवत कथा रखाया? जैसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में आप लोगों ने रखवाया। इसलिए इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ भी इससे बड़ा पुण्य नहीं है, कि सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जब परीक्षित महाराज जब भगवत धाम को गए, ब्रह्मा जी एक तराजू लिए, तराजू का एक तरफ में सारे पुण्य को धर दिए, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा के रखे, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, सारे पुण्य ऊपर उठ गया। पता चला भैया भागवत जैसे पुण्य और कुछ है नहीं। धुंधु श्री धुंधुकारी उनको गया में पिंड दिया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। बोले मुक्ति मिली कैसे? बोले 100 बार में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल भागवत कथा से ही उनको मुक्ति मिली है। इसलिए भागवत कथा जैसे पुण्य कुछ नहीं। बोले अगर किसी ने इतनी सी बात बता दिया, श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत व अनुमोदित, कई कथा हो रही है, अगर किसी ने इतनी सी बात बता दिया भागवत कथा हो रही है, इससे बड़ा पुण्य जगत में कुछ नहीं। कहते वो जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, देव द्रोह विश्व द्रोह क्यों नहीं किया हो, सत्य पुनाति सद्धर्मम, वो भगवत धाम को गमन करता है। इसलिए आप लोगों ने पूरा परिवार मिल करके, और उनकी पत्नी का नाम थी माया देवी ना, माया देवी, हाँ मदन लाल प्रभु और माया देवी इनकी पत्नी और इनकी पूरा परिवार ही है। इन लोग ने हर तरह से तन से मन से धन से इन लोग ने हर तरह से इन लोग ने ये कथा को सक्सेसफुल कराया। इतना नहीं, अरे इन लोग ने सभी के लिए रोज प्रसाद है, रोज चकाचक प्रसाद सभी के लिए व्यवस्था किया है। इसलिए आप लोग ने बहुत बहुत बड़ा ये धर्म की काम की है। और भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है। इसलिए हम श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं
और हमारे बड़े गुरु जी से प्रार्थना करते हैं इनके परिवार को ठाकुर जी शांति सुख दे और जीवन में ये लोग भक्ति करते रहे और जीवन में खूब फलते फूलते हो, इसलिए आप जितने लोग इनके लिए सबके जोरदार ताली बजा सकते हैं। और दूसरी है जो लोग कथा सुनने के लिए आए, ना कुछ हमारे भक्त लोग भी हाँ कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। देखो अगर वक्ता भी हो जाए लेकिन अगर श्रोता नहीं हो तो फिर हम कथा किसको सुनाएं, इसलिए यहाँ पर कुछ भक्त लोग रोज रोज हाँ कितने कितने दूर से इधर उधर से सबके सब कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। जो कथा सुनने के लिए कुछ बड़ौदे से लोग आए, कुछ दिल्ली से लोग आए, कुछ लोग तो बड़ौदे से आए थे जाने के लिए सोच रहे थे लेकिन कथा सुनकर बोले नहीं पुरुषोत्तम महीना में वृंदावन में बैठ कर कथा सुनना ये कब हमारा सौभाग्य होगा। जितने भी बड़ौदे में साल में दो बार वो लोग कथा करवाते लेकिन ये महीना में उन्होंने गए नहीं, बोले हम रुकेंगे पूरी कथा सुन करके जाएंगे। इसलिए यहाँ पर दिल्ली बड़े दूर दूर से सब भक्त लोग इधर आए, कोई बेंगलोर से आए, बहुत बहुत बहुत, इसलिए हम इन्हीं के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। कोई बम्बे से आए हैं, बम्बे से और भक्त लोग भी आए, इसलिए हम इन्हीं के लिए भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इन्हीं को भी भक्ति दे और इनको भी प्रभु की चरण में प्रेम प्रदान करे। और इन्हीं के लिए भी हम लोग जोरदार ताली बजाएंगे। और इन कथा में कदश्री हमारे जो म्यूजिक बजाने वाले श्री श्याम सुंदर प्रभु बड़े सुंदर क्यासियो बजा करके अब खूब नचाया, और हमारे श्री हैं श्री मनमोहन प्रभु जी बड़े सुंदर मृदंग बजाए, और हमारे श्री सिद्धाम प्रभु जी इन्होंने बड़े सुंदर पेड़ बजाए आप, और हमारे से ढोरीलाल जो आकाशवाणी में जो गाते हैं ये तो हर जगह में पहुँचते हैं। अभी आपको बड़ौदे भी प्रभु जी आ रहे हैं, बड़ौदे भी आ रहे हैं हमारे साथ में, इसलिए इनके लिए आप जोरदार ताली बजाओ। और हरे कृष्णा। और आप लास्ट में आप सबके सब मेरे को भी सब आशीर्वाद दें, ठीक है, इसलिए सबके सब मैंने गुरु जी से जो कुछ सुना था कोशिश किया आप लोगों को सुनाने के लिए कोशिश किया, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज हो तो ये हमारे गुरु जी की कृपा है, हाँ हमारे गुरु जी की कृपा है, अगर कोई चीज अगर गलती हो गया तो ये मेरी दोष है। और मैंने कभी कभी आपको कभी कड़क बात भी सुना दिया, प्याज लहसुन छोड़ दो, ये गलती चीज छोड़ दो, इसलिए नहीं ये तो हम कोशिश कर रहे जैसे आपका कल्याण हो, जैसे आपकी शांति सुख मिले, इसलिए आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दो। जैसे सारा जीवन नियम है कथा सुनने का बाद कुछ देनी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, बगैर दक्षिणा के कभी कथा सुनने का बल नहीं मिलता है, इसलिए दक्षिणा क्या दोगे, आशीर्वाद दो मेरे को, आशीर्वाद दो जैसे हम आप लोगों की सेवा कर पाऊँ, हाँ गुरु वैष्णव की अनुगत्य में सारा जीवन भक्ति करूँ, भगवान की भजन करूँ, ये मेरे को सबके सब हृदय से ऊपर से नहीं सबके सब अपना हृदय से मेरे को सबके सब आशीर्वाद देना, ठीक है। अभी हमारे इसको बाद में हम यज्ञ में बैठेंगे और प्रभु जी सुंदर होली गाएंगे, होली में थोड़ी सी नाचना, और हमारे श्री विष्णुदेव महाराज जी हमारे किधर आ जाएंगे, आपको थोड़ी सी ये बड़े साइंटिस्ट भी महाराज जी, अब देखना एकादश की बात उन्होंने बड़े साइंटिफिकल रूप में और हरिनाम की जो महिमा बड़े साइंटिफिकल रूप में महाराज जी समझाएंगे। माइक दे दो महाराज जी, इस बात होली फिर जागरूक सबके सब यज्ञ में बैठेंगे, ठीक है, यज्ञ के बाद में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में था के दंड प्रणाम। तो महाराज जी का आदेश हुआ है कि एकादशी महात्म्य के बारे में थोड़ा बोलना है। एकादशी का महात्म्य महाराज जी ने कथा में बोला होगा कि भागवत में विस्तृत रूप से अम्बरीश महाराज जी का उपाख्यान में ये भागवत महात्म्य आता है। तो विशेष करके एकादशी जो है, पांच मिनट हो गए, एकादशी का अर्थ क्या होता है, हमारे पांच कर्मेंद्रिय है, पांच ज्ञानेंद्रिय और मन, हमारे ग्यारह इंद्रिय द्वारा जो जो पाप हम करते हैं वो सब पाप दूर हो जाते हैं एकादशी करने से। अब देखो भगवान की 16108 शादियां हुई, अब सभी हर पत्नी से भगवान को 10 बेटे हुए, एक बेटी हुई, यानी सभी को 11 बच्चे हुए,
न किसी को 10 दिए न किसी को 12 दिए, क्योंकि 11 भगवान को बड़ी प्रिय है, और सभी को 11 दिए, किसी को कम ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि झगड़े न हो। इसका मतलब क्या है कि एकादशी करने से तो प्रीति तुम्हारी जो बेटी है ना वो तो कृष्णा और रुक्मिणी बन सकते हो दोनों जगह, और ये सुदामा बन जाएगा जब ये आएगा ना, बोले के जब कृष्णा को उन्होंने लेकर के आए इतना केवल करना था, ठीक है जाओ जाओ उधर बन करके, और ये सुदामा इसको बना देंगे, जब पोटली में थोड़ा चावल जाओ उसको थोड़ा चावल दिला सजा करके जाओ फटाफट सजा करके आज ले बोलो। हरे कृष्ण। तो ये एकादशी का दिन बड़ा अच्छा होता है, इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी शास्त्र में बताया है। हमारे गुरुजी हरदम विज्ञान के माध्यम से एकादशी का महत्व समझाते थे कि हमारे शरीर में 90% पानी है, देखो खून में तो 99% पानी है, हमारा जो भेजा है ब्रेन है उसमें 90% पानी है, जो ब्रेन होता है उसका वजन होता है 1.5 किलो, उसमें 90% पानी है, यानी असली भेजा जो है 150 ग्राम का है, पर 150 ग्राम के भेजे में भगवान श्री कृष्ण ने 1 बिलियन टेराबाइट डेटा स्टोर करके रखा। अब पूरा दुनिया का कोई वेलेस इंजीनियर इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकता, सिलिकॉन इंजीनियर। तो भगवान की बड़ी अपूर्व रचना है ये मनुष्य शरीर, तो शरीर में हड्डी में भी पानी होता है, और जहां भी चंद्रमा रहता है चंद्रमा का एक गुण होता है, चंद्रमा क्या करता है पानी को आकृष्ट करता है, चंद्रमा में एक शक्ति होती है, उस शक्ति का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और समुद्र में देखो अमावस्या पूर्णिमा के दिन में क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें आई, कोई हवा नहीं चल रही है, अचानक लहरें आ रही है, ये सब चंद्रमा का प्रताप है। एकादशी के दिन में जब हम अनाज खाते हैं क्या होता है, ये अनाज पेट में जाता है, ये पेट में पानी को सोख के रखता है, ये अनाज होता है स्पंज का काम करता है, ये अनाज सूखा कागज का काम करता है, ये अनाज कपास का काम करता है, ये अनाज कपड़े का काम करता है, ये पानी को सूख के रख देता है। देखो आज सुबह कथा आरंभ होने के पहले इस फर्श को धोया गया होगा, अभी पानी दिखता है यहां पर बिल्कुल नहीं दिखता है, इतनी गर्मी है आदमी सूख रहे पानी को नहीं सूखेगा, मगर यदि ये गद्दों पर आप पानी डाल दो ना, यदि कथा के पहले दिन यदि गद्दों पर पानी डाल देते 7 दिन तक नहीं सूखते गद्दे। इसका मतलब क्या है कि जब हम एकादशी पर अनाज खाते हैं 4 दिन के बाद में जो अनाज है ये स्पंज बन जाता है और शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और जब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई समझ लो चंद्रमा ने अपना प्रताप दिखाना आरंभ कर दिया, चंद्रमा इस पानी को आकृष्ट करने लग जाएगा और पता नहीं कितनी सारी बीमारी आ जाएगी। अस्पताल में देखिए सबसे ज्यादा लोग कब मरते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखिए एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, और कब मरते हैं एकादशी से लेके अमावस्या तक। तो ये 4 दिन बड़े नाजुक होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें भगवान को प्यारे हो जाते हैं, और बड़ा दर्दनाक मौत होती है, खौफनाक मौत होती है, कोई साधारण मौत नहीं होती, जैसे जिस माता जी ने शरीर छोड़ा है कल कितने आसानी से चले गए, मगर जो लोग एकादशी नहीं करते भगवान का भजन नहीं करते उनकी मौत जो होती है बड़ी दर्दनाक होती है। बड़ा मौत को समझो एक बिल्ली और हमको समझो एक चूहा, अब बिल्ली क्या करती है चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, और बिल्ली क्या करती है अपने बछड़े को बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, बच्चे को लगता मेरी माँ आई है और चूहे को लगता मेरी मौत आई है। तो यही अंतर है, जो लोग एकादशी करेंगे उनको बड़ी शांति से भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात है कि हमारे पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको जीवाणु कहते हैं, ये बैक्टीरिया यदि पेट में नहीं रहेंगे कोई भी खाना हजम नहीं कर पाएंगे, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको थोड़ा आराम देने की जरूरत है। क्या सभी को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्या स्कूली बच्चों को छुट्टियां नहीं दी जाती है, क्या संडे को भी बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। यदि किसी भी इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़के को 365 दिन स्कूल में भेजा जाए उसको उससे पढ़ाई कराया जाए वो लड़का एग्जाम में फेल हो जाएगा, उसका मन खराब हो जाएगा, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। उस तरह
हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनको पूरी तरह आराम देना चाहिए। और वो दिन एकादशी का है। एकादशी के दिन में अपने पेट को पूरा आराम दो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारा जो बर्तन है वो चूल्हे पर चढ़ा रहता है। कभी हमारा बर्तन चूल्हे से उतरा है 365 दिन में, कुछ ना कुछ तो पकाते ही रहते हैं। अब मैं एक बार इस्कॉन में गया था, तो इस्कॉन में किताब देखा मैंने, किताब का नाम था एकादशी रेसिपीज, बोले एकादशी की पाक कला है। और मैं और महाराज जी घर में गए थे, हमारे सुरेंद्र प्रभु के घर में एकादशी के दिन में, तो करीब कितने व्यंजन थे महाराज? 40 व्यंजन थे, 40। एकादशी के रसगुल्ले, एकादशी के सलाद, एकादशी का क्या 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 दे दिया था। तो एकादशी जो होती है ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती, एकादशी एक तपस्या है। महाराज जी ने कहा होगा आपको, कलयुग में ध्यान नहीं कर सकते, हिमालय में जाकर मन बड़ा चंचल है। कलयुग में हम लोग यज्ञ में नहीं कर सकते, यज्ञ में जो घी की आहुति दी जाती है उसमें गाय का हड्डी का चूरा मिलेगा, देशी गाय तो रही नहीं तो घी कहां से मिले। और ऐसे कोई ब्राह्मण ने, जैसे महाराज जी ने कहा कि बूढ़ी गाय को मार दो और उसको जवान बना दो, ऐसा कोई ब्राह्मण है गुरुकुल से पढ़ा हुआ, एक मंत्र बोल दिया बूढ़ी गाय जो है जवान होकर बाहर आई, ऐसे कोई नहीं, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है। अर्च विग्रह की सेवा भी बड़ी मुश्किल है, घर बड़े छोटे हैं, ठाकुर को रखे कहां। इसलिए कलयुग में दो चीज बताइए, जैसे महाराज ने कहा एक महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप और कीर्तन किया करो आप। और विशेष करके एकादशी का उपवास जितने शक्ति से करना है उतना करिए, जितनी आपकी एबिलिटी है। जैसे शरीर को आदत हो गई है कि दो बार एकादशी को भोजन करने का, कुछ अनुकल्प प्रसाद लेने का, पर आजकल एकादशी का जो अनुकल्प है वो बृहत कल्प बन गया है। सुबह जो है 1 लीटर अनार का जूस ले लिया, उसके बाद में दोपहर में 1 किलो अंगूर खाए, शाम में जो है 1/2 किलो रबड़ी खाई, हमारा एकादशी चल रहा। ऐसी एकादशी नहीं होती, एकादशी ऐसी करनी चाहिए कि लगना चाहिए कि भाई कुछ किया। एकादशी कैसे करनी चाहिए? सुबह तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए, 12 बजे के बाद में थोड़ा 1 गिलास पानी ले लिया और शाम में थोड़े फल खा लिए, ऐसी एकादशी हो सकती है। या फिर और कड़क करना है तो एकादशी को सिर्फ शाम में पानी पी लिया 1 गिलास, और कड़क करना है तो फिर एकादशी को पानी भी नहीं लिया और पूरा रात भर कीर्तन किया महामंत्र का, और भी कड़क करना है तो एकादशी के 1 दिन पहले एक ही बार भोजन किया, एकाहार किया, उसके बाद में एकादशी के दिन पानी तक नहीं पिया, उसके बाद में द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन किया, पारण के समय में शाम में भोजन नहीं किया, 3 दिन में 2 बार भोजन किया। कितने भोजन खो दिए महाराज? 4 भोजन नहीं किए। कौन से 4 भोजन नहीं किए? दशमी का शाम का भोजन नहीं किया है, एकादशी के 2 भोजन नहीं छोड़ दिए है, और उसके बाद में द्वादशी के दिन शाम में भोजन नहीं किया, 4 भोजन का त्याग कर दिया है। ये जो एकादशी होती है ये भागवती एकादशी है, ये एकादशी अम्बरीश महाराज करते हैं और इसका एक अद्भुत प्रभाव होता है। तो एक सत्य घटना आपको बताता हूं, जिस देश से हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी है उसी देश में बहुत बड़े संत हुए उड़ीसा के, उनका नाम है भक्ति गौरव वैखानस महाराज। उड़ीसा एक ऐसा देश है जहां संतों की खान कह सकते हैं, बंगाल और उड़ीसा सबसे ज्यादा संत यहीं से आते हैं। एक अद्भुत संत है, संत थे भक्ति गौरव वैखानस महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म था और राज पंडित थे, वाक सिद्धि थी, सभी शास्त्र कंठस्थ थे, राजा इनका बड़ा सम्मान करता था। राजा ने सोचा इतने बड़े राज पंडित को कुछ जमीन जायदाद दूं कि बड़े आसानी के साथ में जीवन यापन कर सके, ज्यादा कष्ट न करना पड़े। तो राजा ने क्या किया, इनको बहुत सारी जमीन इनके नाम पर बख्शीश कर दिया। जमीन में अनाज लोगों से लगवाते थे, अनाज कटवाते थे और अनाज बेचकर बाजार में लौट आ रहे थे, बहुत सारा धन इनके पास मिला। पर अचानक क्या हो गया, शाम का समय था, आंधी तूफान चलने लगा, ओले गिरने लगे, बारिश आरंभ हो गई और राज पंडित जी
को पता चल गया कि अभी हम आज अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है? और राज पंडित थे, वो तो कोई साधारण नहीं है, पान खाने की भी इनको आदत थी। पान वाले के दुकान में गए और पान वाले को कहा है, भाई कहीं रात में सोने के लिए जगह मिलेगी कि मैं रात काट सकूं और बाद में कल सुबह घर चला जाऊंगा। तो राज पंडित को कहने लगे, पान वाला, सामने वाला जो घर है वो पूरा खाली है, अब वहां जाके सो जाइए, आपके पास आपका बिस्तर है? बोले हाँ, हमारा बिछाना हम साथ में लेके चलते। तो बोले सामने वाला घर एकदम खाली है, वहां जाके सो जाइए। अब राज पंडित जाके वहां बिछाना बिछा दिया और बड़े शांति के साथ में वहां विश्राम करने लगे। 9 बजे विश्राम आरंभ किया, 12 बजे तक बड़ी चैन की नींद ली राज पंडित जी ने। मगर रात को 12 बजे क्या हुआ, किसी ने इनको जगाया, बोले उठो। बोले कौन हो तुम? राज पंडित उठ के बैठे, बोले मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अरे ब्रह्म राक्षस क्या होता है, इसका थोड़ा विज्ञान जानना पड़ेगा। ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है, जैसे देखो सबसे जो नीचे वाले कैटेगरी का जो प्रेतात्मा होता है उसको भूत कहते हैं। उसके बाद में जब 1000 भूत होते हैं उनका राजा होता है पिशाच, ठीक है ना? और 1000 जो पिशाच होते हैं इनका राजा होता है वेताल, और 1000 जो वेताल होते हैं इनका राजा होता है ब्रह्म राक्षस। यानी जो गली का जो आम गुंडा है वो यदि भूत है तो ये ब्रह्म राक्षस क्या है, दाऊद इब्राहिम। ये बड़ा खतरनाक होता है। अब ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? यदि कोई ब्राह्मण की संतान उपनयन संस्कार के बाद में 4 दिन के अंदर में जल के मर जाए, तो ऐसे आकस्मिक निधन के कारण उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है, या कोई पापी आदमी भी ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो ये ब्रह्म राक्षस जो है महाराज जी को कहने लगा कि हम आपको निगल जाएंगे, हम आपको खा लेंगे। तो महाराज जी कहने लगे, भाई तुमको ब्रह्मत्या का डर नहीं लगता, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म है। कहने लगा मैंने अभी तक इतने पाप किए हैं, मैंने इतने लोगों को मैं निगला हूं, अब मुझे पाप से कोई डर नहीं लगता। तो महाराज जी कहने लगे, देखो आप मुझे बताइए आपका उद्धार कैसे होगा, आपका अभी तक उद्धार क्यों नहीं हुआ है? तब ब्रह्म राक्षस कहने लगे, देखो कौन किसका उद्धार करेगा, कोई संत ही होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे श्रीधर महाराज, संत ही दूसरे के बारे में सोचते हैं, आम आदमी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ऐसा कोई संत अभी तक मिला नहीं इसलिए उद्धार हुआ नहीं। तो बोले आप तो ब्राह्मण कुल में आपका जन्म है, आप किसी पाप वशता ब्रह्म राक्षस बने हो, आप बताइए, आप ब्राह्मण सब तत्व जानता है, आप ही बताइए कि आपका उद्धार कैसे होगा। भूत तो कोई साधारण था नहीं, ब्रह्म राक्षस था, उसने तुरंत बता दिया ये मेरे उद्धार का एक ही तरीका है, और वो है यदि कोई मुझे अम्बरीश महाराज जैसी एकादश अनुष्ठान का फल मुझे प्रदान करे मेरा तुरंत उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी कहने लगे, ब्रह्म राक्षस जी आप कोई चिंता मत करिए, मेरी जितनी एकादशी मैं करता हूं सभी का अनुष्ठान जो होता है ये भागवत तौर तरीके से होता है। मैं दशमी को एकाहार करता हूं, मैं एकादशी को निराहार रहता हूं, मैं द्वादशी को सिर्फ एकाहार करता हूं, और मैं दिन रात हरिनाम करता हूं 1-3 दिन। मैं मेरे एक एकादशी का फल तुम्हें अभी प्रदान करता हूं। तब तो उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक आचमन करके भगवान का स्मरण करके पूरी श्रद्धा के साथ में अपने एक एकादशी का फल इस ब्रह्म राक्षस को प्रदान किया। उसी क्षण क्या हुआ, जैसे सोडा वाटर की बोतल होती है ना, पहले फैक्ट्री रहती थी ज्यादा, उसमें जब सोडा भरते हैं तो उसमें गैस में बहुत भरा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसका ढक्कन आप खोल दो तो कैसे ठक करके आवाज आती है, पूरी गैस निर्गत हो जाती है। महाराज वैसे ही हुआ, और ठक करके आवाज आया और ब्रह्म राक्षस मुक्त होकर चला गया। महाराज जी को बहुत समय लगा, और दोनों की बातें कैसे चल रही थी, संस्कृत भाषा में बात चल रही थी, दोनों ब्राह्मण परिवार। तो महाराज जी थोड़ी देर के बाद में फिर निद्राग्रस्त हो गए। अब गांव वाले लोग सोचने लगे, पान वाले को पूछा, भाई कल महाराज जी आए थे? बोले आए थे। तो बोले राज पंडित जी को आपने कहां भेजा? बोले हमने तो उनको भूत बंगले में भेजा। बोले तुम्हें कोई बुद्धि नहीं है, उनका कुछ अच्छा बुरा हो जाएगा
आप जानते नहीं कि राजा आपका कितना सम्मान करता है, पूरे गांव को फांसी की सजा दे देगा राजा उनको यदि कुछ अच्छा बुरा घटित होता है उनके साथ में। तो जल्दी चलिए देखे कि वो उनसे क्या हुआ है। कुछ लोग बोलने लगे नहीं जाके राजा को समाचार दे देंगे हमसे ऐसी गलती हुई। नहीं बोले बोले जाके तो देखो भूत बंगले में क्या हुआ है महाराज जी के साथ में। तो दरवाजा खटखटाया सब बुजुर्ग लोगों ने, तो महाराज जी ने दरवाजा खोला। रात में नींद ठीक से हुई नहीं थी, 2-3 घंटा तो ब्रह्मराष्ट्र को समझाने में चले गए थे। महाराज जी ने आंखें मलते मलते दरवाजा खोला तो देखा गांव के सब बुजुर्ग लोग विराजमान है। बोले महाराज जी आप ठीक तो है? बोले हम ठीक है। बोले वो ब्रह्म राक्षस तो आया था। तो बोले उसने क्या किया? बोले उसने उसका काम किया मुझे डराने का, और मैंने मेरा काम किया उसका उद्धार करने का। अब वो ब्रह्म राक्षस कभी फिर से यहाँ नहीं आएगा, जिसको यहाँ रहना है बड़े प्रेम के साथ और रह सकते। ये सत्य घटना है। इसलिए आप सब लोग जो है एकादशी को करिए। हम कुछ एकादशी की हिंदी भाषा में किताबें लेकर आई है, तो मुझे सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग एक एक कॉपी एकादशी किताब के लेके जाइए। इसमें मैंने गुरु जी की कथा जितनी भी एकत्रित की थी, जिन्होंने गुरु जी ने देश विदेश में, अब गुरु जी ऐसे है कि करीबन 200-250 देश में इनके शिष्य, और 40 बार गुरु जी ने जग भ्रमण किया है। और गुरु जी एक बात हरदम बता देते, एक बार मथुरा में एक महिला गुरु जी के पास में, महिला शिष्य कहते कि गुरु जी मैंने अभी एक अनूठी घटना देखी कि एक गाय रास्ते से गुजर रही थी और एक ट्रक ने उसको टक्कर मारी है, गाय का एक पैर पूरा टूट गया है और गाय का बड़ा रक्तस्राव हो रहा है, मगर गाय अपनी प्राण छोड़ने में अक्षम है, गाय अभी मर नहीं सकती न जी सकती है, और उसकी ऐसी दयनीय अवस्था मेरे से देखी नहीं जाती, गुरुदेव आप कुछ करिए। तो गुरु जी ने बोला कि बेटे तुम क्या एकादशी का व्रत रखती हो? बोले गुरु जी आज तक जीवन भर मैंने जितने भी व्रत किए हैं सब निर्जला एकादशी की, इसलिए। बोले ठीक है, आप ऐसा करिए कि अपने एक निर्जला एकादशी व्रत का फल संकल्प पूर्वक उस गौ माता के कान में उच्चारण पूर्वक दे दीजिए। तो वो गाय गौ माता के पास में आई और गुरु जी के कहने के अनुसार उस गौ माता के कान में बोलते, हे गौ माता, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत का अनुष्ठान किया तो एक एकादशी का फल आप प्राप्त करें, और महामंत्र भी उसके कान में बोलते। और 5 मिनट के अंदर में गौ माता शांत हो गई और उसे बड़े सुंदर भक्त परिवार में जन्म मिला। तो गुरु जी ये बात कहते थे कि जब मैं अमेरिका में था तो गुरु जी एक स्थान पर जाते थे, उस स्थान का नाम था बैजर। मैं भी वहां 3 बार गया हूं। बैजर शब्द का अर्थ है, गुरु जी कहते थे बैजर नहीं है, न्यू ब्रज है। और लगातार उन्होंने कहते तो करीबन 12-14 साल तक गुरु जी के प्रोग्राम आयोजित किए अंतिम समय पर। तो वहां पर गुरु जी के जो आयोजक थे उनका नाम था श्री नंद गोपाल प्रभु। तो नंद गोपाल प्रभु के पास में कुछ घोड़े थे, तो एक घोड़ा जो था वो बहुत बूढ़ा हो गया था और मरने को आया था, मगर वो प्राण त्यागने में अक्षम था, छटपटा रहा था। तो नंद गोपाल प्रभु ने कहा कि गुरुजी ये घोड़े ने मेरी बहुत सेवा की है, अब इस घोड़े को मैं इस अवस्था में देख नहीं सकता। तो गुरुजी उस घोड़े के पास में चले गए और गुरुजी ने क्या किया, उसके कान में मंत्र बोल दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र बोलने से क्या हो गया, ये मंत्र बोलने से घोड़ा जो है प्राण छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जो महामंत्र है ये सबसे पावरफुल है। इसलिए आप सब लोग एकादशी करिए। देखो एकादशी के दिन में मैं कहता हूं इसको फलाहार लेना चाहिए, यदि निर्जल नहीं किया जाता तो फलाहार लीजिए। भारत में बड़े सुंदर सुंदर मीठे केले होते हैं, थोड़ा मूंगफली भी आप ले सकते हैं। यदि आपको लेना है प्यास लग गई तो थोड़ी नींबू निचोड़कर गुड़ की शिकंजी लीजिए। हाथ जोड़कर अनुरोध है कि एकादशी के दिन में चीनी को स्पर्श भी मत करिए, क्योंकि चीनी कैसे बनती है, जो चीनी होती है उसमें शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ब्लीचिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें गाय की जो हड्डी होती है, बुचड़ खाने से गाय की हड्डी करेक्ट करते हैं लोग, कुत्ते की हड्डी, बिल्ली की हड्डी, सुअर की हड्डी,
खुजर खाने से खरीद के इसको 700 डिग्री टेम्परेचर पर इसको कोयला बनाते और उसके बाद में गन्ने का जो रस होता है उस रस में इस कोयले को गन्ने को रस से पास करते तब चीनी सफेद होती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गाय के हड्डी का अंश रहता है, इसलिए एकादशी के दिन कम से कम चीनी की कोई चीज नहीं खानी चाहिए। वैसे हमारे संप्रदाय का नाम महाराज जी ने आपको बताया होगा, महाराज जी भी जिस संप्रदाय से है, हम सब जिस संप्रदाय से है, हम सब जिस मठ से है, उसका नाम है रूप सनातन गौड़ीय मठ। इसमें गौड़ीय शब्द जरूर लगता है, हमारे अखिल भारत में जितने भी मठ है उनमें गौड़ीय शब्द लगता है। ये गौड़ीय शब्द कहां से आया इसकी उत्पत्ति में बताता हूं, ये उत्पत्ति आई गुड़ शब्द से। जैसे गुड़ बड़ा मीठा होता है, हमारे श्रीधर महाराज की कथा जैसे मीठी है, वैसे ही हमारा संप्रदाय भी बड़ा मीठा, इसलिए गुड़ शब्द से हमारे संप्रदाय का नाम हो गया गौड़ीय संप्रदाय। हम चीनी है क्या? नहीं है, हम भारतीय है, गौड़ीय है, इसलिए हम लोग चीनी नहीं खाना चाहिए। मीठा चाहिए तो ठाकुर जी को भोग लगाए तो गुड़ की चीज बनाइए, गुड़ इज गुड, चीनी इज बैड, ठीक है ना। तो गुड़ का चीज आप बनाइए एकादशी के दिन में, एकादशी में कोई बाधा नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूं विशेष करके इस्कॉन में एकादशी के दिन में वरई खाते हैं, भगर खाते हैं, जिसको इंग्लिश में लिटिल मिलेट कहते हैं। अब ये लिटिल मिलेट शब्द का अर्थ है मिलेट है, ये अन्न जाते पदार्थ है। शंकर जी ने पार्वती को पद्म पुराण में कहा है कि देखो देवी कि मैं कुछ अनाजों के नाम आपको बताता हूं जिनको खाने से एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है, और उसमें उन्होंने इस चावल का नाम श्यामकम करके या श्यामा चावल करके बताया। वैसे देखा जाए श्यामा चावल कोई खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, वो लोग मिलेट खाना चाहिए। वो लिटिल मिलेट हो, पर्म मिलेट हो, पेंसिल मिलेट हो, अलग अलग प्रकार के मिलेट होते हैं। ये मिलेट खाना बहुत जरूरी है, मिलेट हमारे शरीर को आयरन प्रदान करते हैं, मिलेट में कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते। मगर एकादशी के दिन में आपको हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप बगर नहीं खाइए, बाकी दिन आप खूब खा सकते हैं। और एकादशी के दिन में आप साबूदाना नहीं लीजिए। ये साबूदाना क्या होता है? ये साबूदाना को इंग्लिश में सेबोम भी कहते हैं। ये एक हमारे कन्नड़ में एक पेड़ आता है, उसका नाम कहते हैं मरगेणसु कन्नड़ भाषा में। और इसको इसका जो मूल होता है वो कैसे दिखता है? शकरकंद जैसे दिखता है, वही कलर का होता है। इसको उबाला जाता है पानी में, फिर उसके बाद में बड़े बड़े हौद रहते हैं। विशेष करके तमिलनाडु में सेलम के पास में इन हौदों में साबूदाना के मूल को सड़ाया जाता है, फिर ऐसे लाइट लगाए जाते हैं, उसमें हजारों कीड़े पड़ते हैं और इन कीड़ों के साथ में ही इस साबूदाना को प्रोसेस किया जाता है, और इसमें चिकनाहट नहीं आती है। तो चिकनाहट और क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है, बछिया तो लोग घर में रख लेते हैं, बछड़े को रास्ते पर छोड़ देते, ऐसे बछड़े पकड़ कर लेके आते हैं, उनको मारकर उनको आंतों का रस निचोड़ कर इसमें डाला जाता है। उसके बाद में इसमें 50% मैदा भी डाला जाता है। आप मुझे बताइए कि साबूदाना खाने से व्रत होगा? नहीं होगा। दूसरी बात है कि साबूदाना 3 दिन तक हजम नहीं होता, जब पेट में जब अंदर जाता है तो बाहर आते आते आपको बवासीर जरूर कर देगा, आप इसलिए साबूदाना नहीं खाइए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन में चाय वर्जित है। क्यों वर्जित है चाय? वैसे तो मैं कहता हूं चाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए, मन कम से कम एकादशी के दिन में चाय नहीं लेना चाहिए। चाय का रस ये है कि चाय भारत में बनती है आसाम में, अच्छी क्वालिटी की चाय पूरी की पूरी निर्यात हो जाती है। जो बच्ची खुची चाय की जो पाउडर रहती है उसमें कोई लाल रंग तो होता नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, जो बूचड़ खानों में गायों को मारा जाता है बड़ी निर्ममता के साथ में, उनका खून जो है बैरलों में भर के रखा जाता है और ये खून जो है हमारे चाय में डाला जाता है। उसके बाद में लोगों को कड़क चाहिए, हमारे महाराष्ट्र में चाय बिकती है उसका नाम है वाघ बकरी, बड़ा कड़क चाय हो, ये कड़कपन नहीं आता उसमें, लोगों को टेस्ट नहीं आती। क्या करते हैं, जो बूचड़ खानों में गाय का जो चमड़ी होता है उसकी पाउडर बनाई जाती है और गाय के चमड़ी के पाउडर उसमें टेस्ट के लिए डाला जाता है। आप मुझे बताओ एकादशी के दिन में आप लोग कोई भी पान बीड़ी गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखे में भी गाय का खून डलता है,
टीवी पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं हर प्रोडक्ट में गाय का या सुअर की चर्बी 100% होती है। जो शैम्पू आप माथे पर लगाते हैं, जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब में गाय की चर्बी 100% होती है। उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, E1 E2 ऐसे कोड नेम उसको दिए जाते हैं। एकादशी के दिन में साबुन नहीं प्रयोग करना है। तब बोले महाराज फिर हाथ नहीं धोएंगे हम लोग शौच के बाद में? जरूर धोइए। एक मिट्टी आती है उसका नाम है मुल्तानी मिट्टी, बड़ी पवित्र मिट्टी होती है। मुल्तान शब्द का अर्थ क्या है? पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है मुल्तान। ये तो अपभ्रंश है, पहले इसका नाम था मूल स्थान, जहां नरसिंह देव किसी कल्प भेद से प्रकट हुए थे। तो मुल्तान की जो पीले रंग की मिट्टी होती है, वो मिट्टी आप अपने साथ में संग्रह करके रखिए, उसको पाउडर करके रखिए, थोड़े शिकिका के पाउडर, थोड़ी रीठी की पाउडर एक बोतल में भर के रखिए। एकादशी के दिन में कम से कम उससे ही हाथ धोना, उससे शरीर धो सकते हैं। एकादशी के दिन में कोई भी बाजार का पैंटीन वगैरह शैम्पू इस्तेमाल मत करिए, उसमें 100% सुअर की गाय की चर्बी होगी। एकादशी के दिन में लक्ष्य भी प्रयोग नहीं करिए, लक्ष्य में भी गाय की चर्बी होती है। इसलिए एकादशी के दिन बड़े सावधान रहना चाहिए। एकादशी का किताब में हमने ये सब लिखा है, क्योंकि एकादशी का भक्तिराव ठाकुर ने कहा है, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन गोरी कृष्ण वसती वसती बली परमादर बोली। एकादशी तिथि की बोले जय जय श्री राधे। महाराज महाराज बहुत साइंस पढ़े, बहुत साइंटिस्ट महाराज है, इसलिए उन्होंने जहां जहां पढ़े आपको बोले बोले हर चीज बोले। लेकिन कोशिश करना जितना अच्छे तरह से आप जैसे एकादशी के व्रत खाओ। हाँ सुदामा जी तैयारी हो गए ना? कृष्ण के एक बाल्य सखा था जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा का मतलब क्या है? सु मतलब होता है बढ़िया, और काम मतलब होता है पैसा, जिसके पास में बढ़िया पैसा था। लेकिन सारा दुनिया जानते हैं सुदामा दरिद्र है, कहते ना सुदामा दरिद्र है। लेकिन उनका नाम फिर सुदामा कैसे हो गया? बोले बढ़िया पैसा कैसे पास में? हाँ कहते इनका पास में कौन सा बढ़िया पैसा था? बोले भगवान की भक्ति की, इसलिए दिन रात सुदामा जी प्रभु जी की नाम जप करते थे। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली। इसलिए दिन रात भगवान की भक्ति करते थे सुदामा जी। इसलिए एक बार हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन इनकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का जो दोस्त है ना वो द्वारकाधीश है, लेकिन द्वारकाधीश तो है लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। अगर किसका दोस्त हो कोई, अगर मोदी हो ना, अब देखना बात बात में बिना कारण के कारण, भले ही दूर से कोई संपर्क क्यों नहीं हो, घुमा फिरा करके मेरे अमुक के अमुक ये मोदी लगता है, देखना बोलता बोलेगा। लेकिन इनका बचपन का जो दोस्त भगवान है, लेकिन उन्होंने कभी पत्नी को ये बात बताई नहीं। लेकिन जब पत्नी को ये बात पता चला, पत्नी ने कहा देखो एक बार अपना दोस्त को पास में जा सकते हो, आपका दरिद्र अवस्था देख करके जरूर वो कुछ ना कुछ करेगी। बोले देखो भगवान को पास में मांगने के लिए नहीं जानी चाहिए। बोले दर्शन के लिए तो जा सकते हो? बोले हाँ दर्शन के लिए तो मैं जा सकता हूँ। बोले ठीक है दर्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन देखो भगवान को पास में खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए। उनकी पत्नी ने कुछ घर से कुछ उन्होंने चिड़वा भिक्षा मांग करके लाए, ला करके बोले इसको लेकर के आप जाओ ठाकुर जी को दर्शन करके आओ। लेकिन जब ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए गए, अभी बड़े दूर है, इतना दूर तो चल चल करके ही जाएंगे। लेकिन रात को जब कहीं सोए ना, भगवान को तो सब पता घटघटवासी, रात को सोए तो उन्होंने जोग माया को आदेश दिया, बोले जाओ उनको उठा करके पूरा का पूरा द्वारका में ले आओ। सवेरे जब उन्होंने उठाना देखा विशाल द्वारका, बोले भैया मैं कहाँ आ गया, कहाँ सोया था मैं, कहाँ आ गया मैंने। लेकिन भगवान को पास में जाने के लिए 6 दरवाजा 7 दरवाजा पार करना पड़ेगा। अभी उन्होंने 6 दरवाजा तो पार कर लिया, अभी सप्तम दरवाजा पर जब पहुंचे
लेकिन भगवान के दरबार में एक नियम था, किसी ब्राह्मण और संतों को रोकना नहीं, उनको डायरेक्ट मेरे पास में ये डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन ये देखने में शरीर में फटे हुए कपड़े और शरीर में केवल हड्डी हड्डी और कुछ है। तब उन्होंने जो द्वारपाल थे उनको बताए, बोले जाकर के कृष्ण को बताओ उनका बाल्य सखा सुदाम आया। बोले तू बाल्य सखा भगवान तुमको बताए किसका सखा तू बोल रहे हो? वो द्वारकाधीश का भगवान है जिनको 16,100 पटना जिनकी सेवा कर रहे हैं, ये क्या दरिद्र शरीर में फटे फुटे कपड़े शरीर में हड्डी कह रहे भगवान की हम मित्र है? बोले एक बार तो जाकर के बताओ तो